अब मॉडिफिकेशन में क्या बचा? बेसिकली अब हमें एक अमेंडमेंट डिस्कस करना है, दैट इज इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। ये एक्चुअली अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट है, मतलब ना सिर्फ इंपैक्ट ऑफ कोविड-19 है, ये एक्चुअली एमसीए के थ्रू अमेंडमेंट हुआ है। और हमने थैंकफुली, अच्छी बात यह है कि हमने अमेंडमेंट पहले ही अपनी बुक में डाल दिया था। इंस्टीट्यूट ने जो अभी मॉड्यूल चेंज किए हैं उसमें उन्होंने अभी रिसेंटली चेंज करके डाल दिया है, बट हमने अमेंडमेंट को पहले ही डाल दिया था। हाँ, बस इंस्टीट्यूट ने इस अमेंडमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हैं, उन क्वेश्चंस को मैंने ये वाली एडिशनल शीट में, ये वाली एडिशनल मॉडिफिकेशन शीट में डाल दिए हैं। तो अगर ये वाली आप मेरी मॉडिफिकेशन शीट देखोगे तो इसमें भी आपको सेम टेबल दिखेगा, मैंने वही कॉपी पेस्ट किया है। तो ये अमेंडमेंट ऑलरेडी मैंने डाल दिया था, बस इस पे एडिशनल न्यूली एडेड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आज ही की क्लास में, ठीक है? सो ऑल इन ऑल हम क्या करने वाले हैं, हम अब डिस्कस करने वाले हैं कोविड-19 इंपैक्ट अमेंडमेंट इन इंड एस 116। इंड एस 116 में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं और बहुत अच्छा अमेंडमेंट हुआ है, पर इस अमेंडमेंट को हम अभी डिस्कस करेंगे, फिर समझेंगे कि इसका कितना रिलेवेंस है, इसका एग्जाम में कितना रिलेवेंस है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं कि नहीं है, वो मैं बातें आपसे इसके बारे में करूंगा। हमारा जो बचा हुआ टॉपिक है लेसी के लिए, वो पार्ट है रेंट कंसेशन। ध्यान से पढ़िए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी कुछ देर तक। इंपैक्ट ऑफ कोविड-19, साथ ही साथ अमेंडमेंट इन इंड एस 116 एमसीए 24 जुलाई 2020, ठीक है? ये अमेंडमेंट आया था, कोविड-19 रिलेटेड रेंट कंसेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ पैरा 46A 46B। मतलब इस इंड एस 116 में एक पैरा जोड़ा गया है, एक पैरा इंट्रोड्यूस किया गया है, विच इज कॉल्ड पैरा 46A एंड 46B। पैरा 46A 46B, ये पैरा इंट्रोड्यूस हुआ है 116 में। और ये पैरा किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है कोविड-19 रिलेटेड रेंट कंसेशन, कोविड-19 रिलेटेड रेंट कंसेशन। बिकॉज ऑफ कोविड-19 लगभग मार्च 23, 2020 से लेकर लॉकडाउन लगना शुरू हो गया इंडिया में। फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन, लोगों ने सोचा चलो ठीक है एक ही फेज है, उसके बाद ठीक है कोई बात नहीं, 15 दिन कोई बात नहीं, उसके बाद हम वापस से हमारी जिंदगी जिएंगे। सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन, थर्ड फेज ऑफ लॉकडाउन, ऐसे लगता गया। तो लगभग जो हमारे कंट्री में जो लॉकडाउन चला वो टेंटेटिवली 1.5 से 2 महीने का लॉकडाउन तो प्योर लॉकडाउन चला। आई थिंक 1.5 से 2 मंथ तक का लॉकडाउन तो प्योर लॉकडाउन चला। फिर ये लॉकडाउन बेसिकली स्टेट वाइज हो गया, किसी स्टेट में कुछ कुछ हल्की फुल्की एक्टिविटीज ओपन कर दी गई, बट स्टिल वी वर एट लॉकडाउन, हम कहीं ना कहीं लॉकडाउन में थे। धीरे 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 हल्का हल्का करके ओपन होता गया, फिर फाइनली जाके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइनली अगस्त सितंबर से जाके और एक्टिविटीज शुरू हुई, अक्टूबर में और शुरू हुआ, ऐसे करते करते धीरे धीरे लॉकडाउन लिफ्ट होता गया, ठीक है? अच्छा, अब उस लॉकडाउन पीरियड में बिजनेसेस कितने अफेक्ट करे वो आप सब जानते हैं, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 99% बिजनेसेस नेगेटिव अफेक्ट हुए, 1% बिजनेस ये कह सकते हैं पॉजिटिवली अफेक्ट हुए। आप बोलोगे सर 1% बिजनेस पॉजिटिवली कौन से अफेक्ट हो गए अब ये, वो आप भी जानते हो। जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये नेटफ्लिक्स एमेजॉन, सभी लोगों ने डाउनलोड करना, भरमार डाउनलोड करना शुरू किया, एक घर पे बैठ के बढ़िया जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, दिन में एक एक पूरी पूरी सीरीज निपटा रहे हैं, मतलब जो मैंने भी किया एक्चुअली सही बताऊं तो। चलो उसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बहुत जबरदस्त कंटेंट था तो ये बहुत चला, बहुत चला। दूसरा इंटरनेट बहुत चला, इंटरनेट नेट बहुत ज्यादा चला एक्चुअली। जैसे मैं बात करूं टेलीकॉम कंपनीज की बात करूं तो टेलीकॉम कंपनीज को मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन का अफेक्ट इस सेंस में पड़ा होगा, क्योंकि बहुत इंटरनेट का यूज हुआ, जितना यूज होना चाहिए उससे ज्यादा ही हुआ। यूट्यूब पे लोग आने लगे, बहुत सारे नए नए बिजनेस डेवलप होने लगे इंटरनेट के सहारे। तीसरा मैं ये कहूंगा जरूर कि यस, एजुकेशन इंडस्ट्री को
को बहुत बहुत असर पड़ा। मैं बोलूंगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री में एक तरीके से बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए। फेस टू फेस क्लासेस एक तरीके से खत्म हुई, बहुत सारे छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स बेचारे बंद हो गए, बहुत नुकसान हुआ। मैं ये नहीं बात कर रहा हूं सिर्फ सीए सीएस और कॉमर्स में, हर जगह हर जगह, बट कुछ पर्टिकुलर कॉरपोरेट्स को इसका बहुत अच्छा मौका मिला। मानो कि वो तो बस इसी पैंडेमिक इसी लॉकडाउन का ही वेट कर रहे थे। आप शायद अगर समझ रहे हो तो मैं नाम लेना चाह रहा हूं बायजूस, मैं नाम लेना चाह रहा हूं अनअकैडमी और ऐसे टाइप के जो प्लेटफॉर्म थे, वो व्हाइट हैट जूनियर, उसने तो मतलब हद ही कर दी। उसने तो पता बोल दिया कि भाई हम तो छोटे छोटे बच्चों को कोडिंग सिखाएंगे, उस पे मीम्स भी बनने लगे। बहुत सारे कॉरपोरेट्स को मौका मिला एजुकेशन इंडस्ट्री में इंटर होने का, और जो कॉरपोरेट्स ऑलरेडी एजुकेशन इंडस्ट्री में इंटर हो चुके थे पर उनको एक अच्छी शुरुआत नहीं मिल रही थी, उनको एक एक होता है ना कि उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए मौका चाहिए, उनके लिए खतरनाक मौका आ गया। ठीक है सर, हम थोड़ा बहुत इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करने के बाहर चले गए हैं, वापस आते हैं। हम वापस कर बात करते हैं उन इंडस्ट्रीज के जिनको नुकसान हुआ। अब ऐसे कई सारे कंपनीज, ऐसे कई सारे बिजनेसेस थे जो कि बेसिकली रेंटल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, जो रेंटल प्रॉपर्टीज पे चलते हैं, तो उन्होंने रेंट पे प्रॉपर्टीज लेके रखी हैं, वेयर हाउस रेंट पे लेके रखे हैं, काम चल नहीं रहा है, कोई इनफ्लो नहीं आ रहा है, ऑफिसेज रेंट पे चल रहे हैं, फैक्ट्रीज रेंट रेंट पे चल रही हैं, सो मेनी थिंग्स। प्रॉपर्टीज जनरली सब मतलब बिजनेस में मैक्सिमम प्रॉपर्टीज रेंट पे थी। हुआ क्या? हुआ ये कि लॉकडाउन लगने लगा, धीरे धीरे लोगों ने सोचा चलो ठीक है, एक आध महीने की बात है, कोई बात नहीं। पर जैसे ही इस लॉकडाउन ने बहुत ह्यूज इंपैक्ट किया, मैं मानता हूं आज भी कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पूरी तरीके से ओपन नहीं हुई हैं, आज भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो पूरी तरीके से अपने आप को रिवाइव नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे केस में लेसी को ये फील होने लगा, लेसी एंटिटीज को फील होने लगा कि यार या तो हम वो जगह छोड़ दें, या तो हम अपने बिजनेस कहीं और शिफ्ट कर लें, या तो हमें लेसर से कुछ कंसेशन मिल जाए बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। क्योंकि हम अगर सेम काइंड ऑफ रेंट अमाउंट पे करते रहे तो तकलीफ हो जाएगी। मैं अपनी प्रैक्टिकली बात करूं, भोपाल में जो हमारा कोचिंग सेंटर है बेसिकली वो रेंटेड प्रॉपर्टी पर है, तो हमने भी अपने लैंडलॉर्ड को बोला कि नाउ वी हैव टू मेक सम अरेंजमेंट्स, हमें तो मुश्किल हो रहा है बहुत ज्यादा, तो अब आप बताइए। बेसिकली देखो, आप ये मत सोचना कि यार जय सर आप ऐसा बोल रहे हो, आपके पास तो बहुत पैसा होगा, या ये सब पैसा होगा नहीं होगा वो बात अलग है। बात ये है कि आप बिजनेस करते वक्त ऐसे चीजों को कंसीडर करके चलते हो कि नहीं चलते हो। अगर मैं ये बोलूं कि यार मुझे क्या दिक्कत है, मेरा तो क्लासेस अच्छा चल रहा है, अगर मान लो उधर से मेरा रेंट भी लग रहा है तो क्या दिक्कत है, अगर मैं ये सोचते हुए ये सब बातें ना करूं अपने लैंडलॉर्ड से, तो मैं एक नंबर का बेवकूफ कहलाऊंगा, ठीक है ना। तो आई थॉट कि यार क्यों ना बात की जाए और मुझे कंसेशन चाहिए, भाई सीधी बात है, अगर मैं अपना 1 रुपए का भी लॉस बचा पा रहा हूं तो ये अच्छी चीज है ना बिजनेस में, तो ये यही तो बिजनेस के रूल्स होते हैं, ठीक है ना। रेंट कंसेशन मुझे मिला। वैसे ही मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूं, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज को रेंट कंसेशन दिया गया होगा। अब इस बीच क्या हुआ कि आईएफआरएस में चेंज आ गया। आईएफआरएस में क्या चेंज आ गया? आईएफआरएस में यही चेंज आ गया, सबसे पहले इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में ये चीज चेंज की गई। क्या चेंज की गई? ये बोला गया कि अगर रेंट में कंसेशन दिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19, हाईलाइटेड वर्ड बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो क्या उसको लीज मॉडिफिकेशन ही माना जाए, और सेम अकाउंटिंग जो लीज मॉडिफिकेशन की जाती है क्या वही की जाए, या फिर हम लेसी के लिए एक दूसरा ऑप्शन जहां लेसी को इतना कुछ लीज मॉडिफिकेशन जैसे तामझाम करने की जरूरत ना पड़े, हम वो ऑप्शन दे दें। तो आईएफआरएस में एक चेंज हुआ, आईएफआरएस में ये चेंज हुआ कि अगर कोविड-19 के कारण रेंट कंसेशन दिया जा रहा है लेसी को, तो लेसी या तो लीज मॉडिफिकेशन की जो अकाउंटिंग है, जो अभी हम 5 केसेस देख के आए जहां पर आपको रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ता है और लीज लायबिलिटी को चेंज करना पड़ता है, या तो लेसी उसको फॉलो करे। अब सोचो अगर लीज मॉडिफिकेशन के अकाउंटिंग को फॉलो करेगा तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसको केस नंबर 3 अप्लाई करना पड़ेगा, ये उसको केस नंबर 3 प्राइमा फेसी मुझे ऐसा लग रहा है कि केस नंबर 3 आएगा। क्यों? चेंज इन कंसिडरेशन ओनली, क्योंकि कंसेशन मिल रहा है हमें रेंट में, ठीक है। पर हो सकता है उसके चक्कर में थोड़ा बहुत डिक्रीज इन लीज टर्म भी हो जाए,
हो सकता है कुछ लेसी ने बोला हो कि अब हमने जो 10 साल का एग्रीमेंट किया था अब उसको रिवाइज करके 5 साल का ही कर देते, बट प्राइमा फेसी बड़ा चेंज जो हुआ होगा, बड़ा चेंज हुआ होगा ये वाला। और उस बड़े चेंज में क्या है, इसमें चेंज इन कंसिडरेशन में हमारी लीज लायबिलिटी कम हुई होगी। यहां लिखा है कि सेम एज केस वन, मतलब यहां पर हमें रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट के बेसिस पर रिवाइज लीज पेमेंट को हमें डिस्काउंटिंग करना पड़ा, ठीक है ना, यही करना पड़ेगा। तो आईएफआरएस ने बोला कि यार चलो एक काम करते हैं, लेसी को एक ऑप्शन देते हैं, लेसी को हम ये कहते हैं कि देख लो अगर तुम लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग में खुश हो, लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग में कंफर्टेबल हो तो तुम वही अकाउंटिंग फॉलो करो, पर अगर तुम्हें लगता है कि यार फिर न्यू डिस्काउंटिंग रेट ले लो और जो ये कंसेशन हमें मिल रहा है ये तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए मिला है, टेम्पररी कंसेशन है, वापस से लेसर सेम किराया लेना शुरू कर देगा, लीज रेंट लेना शुरू कर देगा, उसके लिए मैं इतना तामझाम करूं, ये भी बात समझ में आई। अब यार कंसेशन जो दिया जा रहा है रेंट में वो ऐसा थोड़ी कि 1-2 साल तक दिया जा रहा है, ये पैंडेमिक वाली सिचुएशन हर कोई जानता था शुरू से लेकर कि यार ये टेम्पररी है, ये टेम्पररी है, भले भले 2 महीने 4 महीने 6 महीने 8, ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है, कभी ना कभी तो खत्म होगा। सो बेसिकली जो मुझे कंसेशन मिल रहा है और लेसर भी मुझे कौन सा कोई कंसेशन ये बोलेगा कि चलो ठीक है आज के 10 साल तक मैं तुम्हारा रेंट कम कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी होता है। तो टेम्पररी पीरियड के लिए अगर रेंट कंसेशन मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इतना तामझाम लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करके मैं क्यों करूं, मुझे कोई शॉर्टकट बताओ जिससे मेरा काम आसान हो जाए। तो इसके लिए आईएफआरएस में अमेंडमेंट ये आया कि चलो ठीक है लेसी अगर पहला ऑप्शन जो कि उसको मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करना चाहिए अगर वो अप्लाई नहीं करता तो हम उसको एक दूसरा ऑप्शन देते हैं कि तू शॉर्टकट कर, शॉर्टकट मतलब ये कि तुझे कोई जरूरत नहीं है रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट अप्लाई करने की, तू एक शॉर्टकट कर अप्लाई कर, उस शॉर्टकट को हम यहां बोलते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीडिएट, ठीक है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीडिएट। अब वो शॉर्टकट की क्या अकाउंटिंग है वो आपको आगे मालूम पड़ेगा, वो आपको आगे मालूम पड़ेगा, बट उसके लिए आईएफआरएस में चेंजेस हुए जो मैंने आपको बताया, उसके लिए कुछ कंडीशंस बताई गई कि वो शॉर्टकट तू कब अप्लाई कर सकता है, शॉर्टकट अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशंस फुलफिल होगी तो ही तू शॉर्टकट अप्लाई करेगा। ये जो अमेंडमेंट आईएफआरएस में हुआ वो सेम अमेंडमेंट इंड एएस में आ गया, इंड एएस में भी सेम अमेंडमेंट इतना जल्दी आ गया। कभी भी जब आईएफआरएस में कुछ अमेंडमेंट्स होते हैं, रिविजन होते हैं, इंड एएस में वो चेंजेस करने में समय लगता है, बट इस अमेंडमेंट को इमीडिएट इफेक्ट से अप्लाई किया गया क्योंकि इसकी जरूरत थी एक्चुअली इमीडिएटली। तो एक अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट को इंड एएस में भी अमेंड किया गया और 24th of July 2020 को एमसीए ने नोटिफिकेशन निकाला कि आप विद इमीडिएट इफेक्ट आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात थी कि ये अमेंडमेंट आया, क्यों आया, इसका रेलेवेंस एग्जाम में कितना है और इसका रेलेवेंस आने वाले टाइम में एग्जाम में कब तक रहेगा। आई डोंट थिंक कि इसका रेलेवेंस आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स तक जाएगा, मेरे को पर्सनली नहीं लगता है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, यार दिस इज COVID-19 रिलेटेड रेंट कंसेशन, तो इसका रेलेवेंस मैक्सिमम किस में आने वाला है, अपकमिंग May 21, November 21। आई डोंट थिंक कि नवंबर 21 के आगे के एग्जाम्स में इसका कोई रेलेवेंस होगा। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जो मुझे सुन रहा है जिसका अटेम्प्ट आगे का है, और जनरल मैं मान के चल रहा हूं बल्कि मैक्सिमम स्टूडेंट नवंबर 21 के बाद के ही होंगे, स्पेशली 22 और 23 अटेम्प्ट जिनका आ रहा होगा, 24 आ रहा होगा माइट भी, ठीक है ना। सो पढ़ना तो उनको भी है बट ये प्रैक्टिकली चीज कहीं ना कहीं उतना रेलेवेंट नहीं है जितना होना चाहिए अभी अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए, ठीक है। चलो ये वाली बात भी समझ में आई, तो ये इसका इंपॉर्टेंस लेवल ज्यादा नहीं है, अपकमिंग कुछ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस लेवल है, ठीक है। तो अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब मैं आपको कहां से पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अपने मेन मॉड्यूल 1 के नोट्स से फिलहाल ना पढ़ाते हुए मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं वो एडिशनल शीट से जो मैंने अभी आपको लेक्चर स्टार्ट करते वक्त बताया कि आपको कहां कहां से मिल सकता है, वही चीज है, वहीं से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां से अपन पढ़ना शुरू करने वाले हैं, ठीक है ना। वेट अ मिनट बेटा, एक मिनट का वेट कर लीजिए प्लीज। मुझे एक मिनट दीजिए प्लीज, है ना।
ओके सॉरी फॉर द इंटरप्रिटेशन. सो कोविड 19 रिलेटेड रेंट कंसेशन हमें पढ़ना है. तो ये कोविड 19 रिलेटेड रेंट कंसेशन जो है, ये इसमें क्या कंडीशंस हैं? हम लीज मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग करेंगे क्या, या फिर हमें कोई शॉर्टकट दिया गया है तो वो शॉर्टकट की क्या कंडीशंस हैं, और फाइनली वो शॉर्टकट कैसे अप्लाई होगा, वो सब हम अभी यहां पर पढ़ने वाले हैं. इस पे इंस्टीट्यूट ने कुछ क्वेश्चंस अपने इंट्रोड्यूस किए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं. इस पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल एक्सपीडिएट पे, शॉर्टकट पे, कि हमें वो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे, अभी इस लेक्चर में करेंगे. ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं. दिस अमेंडमेंट इज फॉर लेसी ओनली. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज कि जो ये रेंट रिलेटेड कंसेशन आया है, कोविड 19 रिलेटेड रेंट कंसेशन आया है, पैरा 46A 46B जो इंट्रोड्यूस किया गया है, वो सिर्फ लेसी को ध्यान में रखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया है. मतलब इसका, इस पैराग्राफ, इस अमेंडमेंट का बेनिफिट लेसर नहीं ले पाएगा, सिर्फ लेसी को बोला गया है. ठीक है, कंडीशंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस अमेंडमेंट. अगर आपको इस अमेंडमेंट को अप्लाई करना है, अगर आपको इस अमेंडमेंट को का बेनिफिट लेना है, मतलब अगर आप प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट, मतलब शॉर्टकट का बेनिफिट लेना है, अगर आपको लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग नहीं करनी है, तो आपको पैरा 46B में बताई गई कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. चार कंडीशंस हैं. पहली, चेंज इन लीज पेमेंट मस्ट बी इन डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोविड 19. अगर लेसर को, अगर लेसी को रेंट कंसेशन दिया जा रहा है, वो रेंट कंसेशन बिकॉज ऑफ कोविड 19 ही होना चाहिए, अगर कोविड 19 से रिलेटेड कंसेशन नहीं है. अगर उसको वैसे भी कंसेशन मिल रहा था, नॉट, दिस कंसेशन इज नॉट बिकॉज ऑफ कोविड 19, इट इज नॉट इन डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ कोविड 19, तो ये अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगा. लेसी को अगर रेंट कंसेशन दिया जा रहा है अदर देन बिकॉज ऑफ कोविड 19, अदर देन द रीजन ऑफ कोविड 19, तो वो नॉर्मल मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग उसके लिए ऑलरेडी बताई गई है. तो कहने का मतलब ये कुछ नया नहीं है, हम तो मॉडिफाई, अगर रेंट कंसेशन दिया जा रहा है तो ये तो मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग 116 में ऑलरेडी बताई गई है, जो हमने अभी डिस्कस की. बट अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपीडिएट अकाउंटिंग, जो कि इस अमेंडमेंट में बताई गई है, वो फॉलो करनी है, तो उसके लिए जो कंसेशन आप लेसी को दिया गया है, वो देखना पड़ेगा कि वो कंसेशन बिकॉज ऑफ कोविड 19 है क्या. पहली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. दूसरी कंडीशन, रिवाइज, आप देखो, जब अगर उसको कंसेशन मिलेगा तो उसके लीज पेमेंट को रिवाइज किया जाएगा. सर कंसेशन कैसे मिल सकता है? कंसेशन ये मिल सकता है कि जो लीज रेंट हम पे कर रहे थे हर महीने का, उसमें थोड़ा सा कम हो जाए. कंसेशन अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं. पॉइंट नंबर वन, अप्रैल मई जून तीन महीने का रेंट मुझसे चार्ज नहीं किया जाएगा, जीरो. केस नंबर टू, अप्रैल मई जून तीन महीने का रेंट मुझसे 50% चार्ज किया जाएगा, या 60% या 70% या 40%, वॉट एवर. केस नंबर थ्री, अप्रैल मई जून का मुझसे रेंट चार्ज नहीं किया जाएगा, पर जो भी रेंट अप्रैल मई जून का है वो जुलाई अगस्त सितंबर में डबल लिया जाएगा. ये भी एक कंसेशन है, हा ना, कि अप्रैल मई जून में मुझे राहत दे दी गई कि चलो मुझे लेसर ने बोला पे मत करो, तुम इसको जुलाई से लेकर डबल पे कर देना तीन महीने तक. यह भी एक कंसेशन माना जाएगा. सो रिवाइज्ड लीज पेमेंट, मतलब आफ्टर कंसेशन, शुड बी इक्वल टू और लेस देन द ओरिजिनल लीज पेमेंट बिफोर सच चेंजेस मेड. जो रिवाइज्ड लीज पेमेंट है वो या तो ओरिजिनल लीज पेमेंट से कम हो या तो उसके बराबर हो, उससे ज्यादा नहीं. मतलब जो आपको, आपके जो रिवाइज किए जा रहे हैं लीज पेमेंट, वो ऐसे ना हो जाएं कि भैया उल्टा, बल्कि आपसे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. कैसे हो सकता है? अप्रैल मई जून में मैंने आपको कंसेशन दे दिया, अप्रैल मई जून में कंसेशन दे दिया, एवरी मंथ द रेंट इज 1 लाख रुपीज, एवरी मंथ द रेंट इज 1 लाख रुपीज. मेरी बात को ध्यान से समझना. यस, कोविड 19 के कारण मुझे कंसेशन दिया गया अप्रैल मई जून मंथ का. मुझे कहा गया कि अप्रैल मई जून का मुझे पे करने की जरूरत नहीं है.
मुझे पे करने की जरूरत नहीं है, 1 लाख 1 लाख 1 लाख मुझे नहीं पे करना, बट जुलाई अगस्त सितंबर में मुझे 2 लाख 50 2 लाख 50 2 लाख 50 पे करना पड़ेगा। मतलब जुलाई अगस्त सितंबर का नॉर्मल 1 लाख 1 लाख 1 लाख तो करना ही पड़ेगा, पर जो मैंने अप्रैल मई जून का 1 लाख पे नहीं किया वो भी मुझे जुलाई अगस्त सितंबर में पे करना पड़ेगा, और तो और 1 लाख नहीं 1 लाख से ज्यादा, मतलब 2 150 150 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। देखो मेरा हर महीने का रेंट जो है वो 1 लाख पर मंथ है, अप्रैल मई जून 1 लाख 1 लाख 1 लाख डिफर कर दिया गया, बोला गया कि तुम जुलाई अगस्त सितंबर में पे करो, तो कायदे से मुझे कितना पे करना चाहिए? अगर मुझे जुलाई में बोला जा रहा है कि 2 लाख पे करूं, अगस्त में 2 लाख, सितंबर में 2 लाख, फिर अक्टूबर से वापस 1-1 लाख, तो भी माना जाएगा कि हाँ ये कंडीशन फुलफिल हुई है, बिकॉज इट इज ऑल्सो कंसिडर एज कंसेशन यार, कि ठीक है अमाउंट में कंसेशन नहीं मिल रहा है पर डिफरल में कंसेशन मिल रहा है, कि चलो ठीक है लेट पेमेंट कर देना, अगले महीने के साथ जोड़ के दे देना। बट अगर तुम साला ये बोल रहे हो कि यार अगले महीने के साथ जोड़ के दे देना प्लस तुझे ज्यादा ही देना पड़ेगा, मैंने तेरे को कंसेशन दिया, इसको कोविड-19 का कंसेशन नहीं माना जाए, मतलब इसको कंसेशन नहीं मान सकते। जो कंसेशन है, जो जो रिवाइज लीज पेमेंट्स है, दैट मस्ट बी इक्वल और लेस देन द ओरिजिनल, ठीक है ना? मतलब कंसेशन भी दे रहे हो, एहसान भी कर रहे हो, और वापस एंड में तुम मुझसे ज्यादा ही पैसा ले रहे हो, ऐसा नहीं चलने वाला, ठीक है ना? तो यहां पर ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट तो है, पर यहां पर इंस्टीट्यूट बोल रहा हूं, एंटिटी जिसको कंसेशन दिया जा रहा है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग वाला पॉइंट है, कि उसको ये चेक देखना है कि उसके लिए वो कंसेशन है कि नहीं है। यहां अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बोला गया अप्रैल मई जून का पेमेंट मत करो, पर जुलाई में तुम हमें पेमेंट करना, अप्रैल मई जून का 1 लाख 1 लाख 1 लाख बनता है, जुलाई अगस्त सितंबर का भी 1 लाख 1 लाख 1 लाख बनता है, पर तुम जुलाई का 2 लाख 5 थाउजेंड दे देना, जुलाई अगस्त का 2 लाख 5 थाउजेंड दे देना, सितंबर का 2 लाख 5 थाउजेंड दे देना। मतलब हमसे 5 थाउजेंड एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, एंड दिस इज नॉट लाइक कि एक्स्ट्रा कुछ ओवर लिया जा रहा है, ये एक्स्ट्रा 5,000 इसलिए लिया जा रहा है ताकि वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करने के लिए, दैट्स इट, बाकी और कोई रीजन नहीं है। तो यहां पर लेसी बोल सकता है कि यार मुझे ये भी एक कंसेशन लग रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, बट 1 लाख 5,000 किस बजाय 1 लाख 50,000 बोल दें तो यार ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं होती, ठीक है ना? तो बेसिकली ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है कि आपके लिए वो चीज बेनिफिट में दिख रही है कि नहीं दिख रही है। इस पॉइंट के अनुसार सिर्फ कहने का इंटेंशन ये है 116 का, कि क्या वो लेसी को एक्चुअल बेनिफिट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19। अगर वो लेसी के लिए एक्चुअल बेनिफिट वाली चीज है तो डेफिनेटली आप इसको मान सकते हो कि आपकी सेकंड कंडीशन फुलफिल हुई। थर्ड कंडीशन रिडक्शन है, हाँ ये वाला थर्ड कंडीशन में और इसको एलेबोरेट किया गया है, देखो ध्यान से पढ़ो इसको, आप पहले खुद पढ़ो फिर मैं आपको पढ़वाऊंगा। रिडक्शन इन लीज पेमेंट अफेक्ट्स द पेमेंट ड्यू ऑन और बिफोर 30th जून 2021। एक दूसरी बात और, अब यार 30th जून 2021, ठीक है ना, 30th जून 2021 अभी तो ये डेट आई नहीं है, जीवन जिस टाइम पे मैं ये लेक्चर ले रहा हूं ये डेट अभी भी फ्यूचर में आने वाली है कुछ टाइम बाद। तो कहने का मतलब देखो इस पॉइंट से समझ में आता है कि हम ह्यूमन बीइंग कितने एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं। हमें पता है कि कोविड-19 की सिचुएशन तो खत्म होगी ही होगी कभी ना कभी, और लेसर भी आपको अगर कंसेशन दे रहा है तो हमेशा के लिए तो देगा नहीं। तो थर्ड कंडीशन कहता है कि जो कंसेशन आपको दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अप टू 30th जून 2021 तक अफेक्टेड हो। मतलब अगर आपको कंसेशन 30th जून 2021 के बाद के पीरियड के लिए भी दिया जा रहा है तो माना जाएगा कि आपने ये कंडीशन फुलफिल नहीं की है, आप अमेंडमेंट के बेनिफिट को नहीं अवेल कर सकते। अगर आपको अमेंडमेंट का बेनिफिट अवेल करना है, पहली कंडीशन आपको जो कंसेशन दिया जा रहा है दैट शुड बी बिकॉज ऑफ कोविड-19। द रिवाइज लीज पेमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू और लेस देन द ओरिजिनल लीज पेमेंट्स आफ्टर द कंसेशन। थर्ड रिडक्शन इन लीज लायबिलिटी, ठीक है ना, रिडक्शन इन लीज पेमेंट मस्ट अफेक्ट द पेमेंट्स ड्यू ऑन और बिफोर 30th जून 2021। ऑन और बिफोर, ऐसा कोई पेमेंट जो 30th जून 2021 के बाद मुझे करना है अगर मुझे उस पर भी कंसेशन मिल रहा है तो ये कोविड-19 रिलेटेड रेंट कंसेशन नहीं हो सकता। दिस शुड नॉट बी द कोविड-19 रिलेटेड रेंट कंसेशन। सो इफ द लेसी इज गेटिंग कंसेशन फॉर द पेमेंट्स ड्यू आफ्टर 30th जून ऑल्सो, देन सच
ओवरऑल कंसेशन विल नॉट बी ट्रीटेड एज COVID-19 रिलेटेड रेंट कंसेशन। सर ऐसा करें कि जो पेमेंट्स 30 जून तक हैं उन पे कंसेशन मिला है तो उसके लिए अप्लाई कर दे अमेंडमेंट, और बाकी बाकी पेमेंट को जो कंसेशन मिला है उसके ऊपर अप्लाई ना करें। नहीं, फिर पूरे आपको जो कंसेशन है उस, क्योंकि आपका कंसेशन तो एक ही बार में हुआ है ना, अमेंडमेंट आपका एक ही बार में हुआ है, तो आपका पूरे पे अप्लाई नहीं होगा, याद रखना। इसको एग्जाम्पल से समझाया भी गया कि आपको कैसे समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ रेंट कंसेशन वुड मीट दिस कंडीशन, कंडीशन मीट आउट होगी इफ इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड लीज पेमेंट ऑन और बिफोर 30th जून एंड इंक्रीज्ड लीज पेमेंट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड 30 जून। यह भी तो हो सकता है कि ना मैं आपसे अप्रैल 2020 से लेकर जब से लॉकडाउन लगा 30th जून 2021 तक रेंट में कंसेशन दे रहा हूं, जितना भी कंसेशन दे रहा हूं उतना आपको मुझे बाद में मतलब जुलाई 2021 से पे करना पड़ेगा। ये भी मेरे लिए माना जाएगा कि हां मेरे लिए कंसेशन है। तो ये बोल रहा है अ रेंट कंसेशन वुड मीट दिस कंडीशन। तो अगर 30th जून 2021 तक जो हमें कंसेशन मिला है अगर उसकी रिकवरी उसके बाद भी की जा रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वी विल अज्यूम दैट द कंडीशन इज फुलफिल्ड। कंसेशन अप टू 30th जून, पहले उसकी रिकवरी आप बाद में कर रहे हो। एंड इंक्रीज्ड लीज पेमेंट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द 30th जून को चलेगा। और लास्ट, नो सब्सटेंटिव चेंजेस टू अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द लीज एग्रीमेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ रेंट में कंसेशन दिया गया है, ना लीज टर्म बदलाव हुआ है ना आरओयू में कोई बदलाव हुआ है, यह जरूर याद रखना। अगर आरओयू में भी साथ साथ बदलाव हुआ है इसका मतलब आपकी अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी बदल गई। अगर लीज टर्म भी आपस अगर चेंज हुआ है तो माना जाएगा कि आपकी अदर कंडीशंस में भी बदलाव हुआ है। सो अदर कंडीशंस में कोई सब्सटेंटिव चेंज नहीं आना चाहिए। सब्सटेंटिव चेंज मतलब कोई बड़ा चेंज, जैसे आरओयू को भी खत्म कर दिया, ये एक बड़ा चेंज है। दिस इज नॉट कवर्ड अंडर दिस अमेंडमेंट। So apart from rent related concession, there should not be any other change in terms and conditions. There should not be any other substantive change. तो ये चार conditions आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि अगर आप para 46A para 46B का फायदा उठाना चाहते हो। सर आप इतनी देर से बोल रहे हो फायदा क्या है, मैं आपको बता रहा हूं अभी आगे फायदा क्या आएगा। अगर आप para 46A और para 46B का फायदा उठाना चाहते हो, शॉर्ट में सुन लो, फायदा यह है कि आपको लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं, आपको बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो अगर आप उसका फायदा उठाना चाहते हो तो आपको चार कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर वन, रेंट कंसेशन शुड बी रिलेटेड शुड बी ड्यू टू COVID-19 इंपैक्ट ओनली। दूसरा, ऐसे नहीं कि जनरल आपको वैसे भी रेंट कंसेशन दिया जा रहा है। दूसरा, रिवाइज लीज पेमेंट्स आफ्टर द कंसेशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द ओरिजिनल लीज पेमेंट्स व्हेन सच चेंजेस मेड, ठीक है ना। तीसरा क्या था, रिडक्शन इन लीज पेमेंट्स मस्ट बी मेड फॉर दोज पेमेंट्स ड्यू ऑन और बिफोर 30th जून 2021। और फोर्थ कंडीशन, देयर शुड नॉट बी एनी अदर सब्सटेंटिव चेंज इन अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। अदर टर्म्स एंड कंडीशन में कोई बड़ा चेंज नहीं होना चाहिए। छुटपुट चेंज चलो चलेगा। सब्सटेंटिव चेंज लाइक आरओयू को भी कम कर दिया गया, लीज टर्म को भी कम कर दिया गया या बढ़ा दिया गया, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोई और सब्सटेंटिव चेंज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर चार में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, चार में से एक नहीं हुई तीन हो गई, तो भी माना जाएगा कि आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। एनी ऑफ द अबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन चेंज इन लीज रेंटल विल बी कंसिडर्ड एज लीज मॉडिफिकेशन, इट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द डिटेल्स अबव। ऑब्वियसली देखो, अगर चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग मत करो, आप जो अकाउंटिंग पैरा 46A 46B में दी गई है वो करो। पर अगर चारों में से कोई एक भी कंडीशन, चारों में से तीन कंडीशन फुलफिल हो गई एक नहीं हुई, तो भी माना जाएगा कि आपको पैरा 46 का
एडवांटेज नहीं मिलेगा, आपको तो लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग ही करना है जो भी आपके चेंजेस हुए हैं। सर लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग क्या कहती है? लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग कहती है कि आपको रिवाइज लीज लाइबिलिटी एट रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट एंड रिडक्शन विल बी चार्ज टू आरओयू। आपको रिवाइज लीज लाइबिलिटी निकालनी पड़ती है, रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट पर निकालनी पड़ती है, जो भी चेंजेस आते हैं आपको आरओयू में इंपैक्ट करना पड़ता है। याद आ रहा है कि नहीं? लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू आरओयू मतलब उसके लिए आपको रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ता है। याद आ रहा है कि नहीं? ये आपकी मॉडिफिकेशन वाली अकाउंटिंग है। If all of conditions given in para 46B are satisfied, then lessee has choice to opt any out of the following. अगर लेसी के चारों conditions ऊपर की fulfill हुई हैं, तो लेसी के पास क्या option है? Treat such rent concession as lease modification. अगर लेसी को lease modification बहुत अच्छी लग रही है, लेसी बोल रहा है अरे बाढ़ भेजा amendment वगैरह हटाओ, मैं तो lease modification ही मानूंगा, तू मान भाई कोई दिक्कत नहीं। पर जनरली ऐसा होता है कि ये क्योंकि टेम्पररी पीरियड के लिए, रियली सॉरी, जो कि हमें जो ये कंसेशन मिल रहा है ये टेम्पररी पीरियड के लिए मिल रहा है, तो क्या यार मैं मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग फॉलो करूं? मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग साला फॉलो तब करना चाहिए जब ये टेम्पररी पीरियड के लिए चेंजेस नहीं हो रहे हैं, परमानेंटली चेंजेस हो रहे हैं। अब दो चार महीने के लिए, पांच छह महीने के लिए चेंजेस कर रहे हो, उसके लिए मैं लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अप्लाई करूंगा? नहीं, मैं अपने आरओयू को कम नहीं करना चाह रहा हूं, मैं रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट नहीं लेना चाह रहा हूं, तो उसके बाद ऑप्शन है अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपेडिएंट। प्रैक्टिकल एक्सपेडिएंट, व्हाट इज दिस प्रैक्टिकल एक्सपेडिएंट? प्रैक्टिकल एक्सपेडिएंट मतलब नॉट टू ट्रीट मॉडिफिकेशन, अप्लाई शॉर्टकट। प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट मतलब मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट करो। क्या शॉर्टकट सर? शॉर्टकट ही तो पढ़ेंगे। हाउ टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट इन डिफरेंट केसेस, शॉर्टकट्स क्या क्या हैं? ये हैं शॉर्टकट, केस वन, केस टू, केस थ्री। मैंने इनको केसेस में बना के भेजा है, आपको बना के दिया है, ऐसा आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं मिलेगा, इतना सिंप्लीफाइड। तो मैंने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है कि केस वन क्या क्या शॉर्ट मतलब क्या क्या केसेस के अकॉर्डिंग आप शॉर्टकट कर सकते हो, क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुई होंगी एक्चुअली उस लॉकडाउन पीरियड में लेसीज के साथ। हो सकता है लेसी को कंडीशनल वेवर दिया गया हो सकता है लेसी को अनकंडीशनल वेवर दिया गया हो। अनकंडीशनल वेवर मतलब कि लेसर ने बोला चलो ठीक है चार महीने का पेमेंट मत करना। कंडीशनल वेवर इज लाइक कि यार नहीं पेमेंट अभी इस महीने का मत करो, अगले महीने का बाद में देखेंगे लॉकडाउन ओपन होता है कि नहीं, फिर अगले महीने का चलो मत करो लॉकडाउन नहीं हुआ, उसके तीसरे महीने का बाद में देखेंगे लॉकडाउन ओपन हुआ कि नहीं, ऐसा। ठीक है ना? क्लियर बेटा? तो ये कुछ केसेस हैं। आई वॉन्ट यू टू रीड दीज केसेस, आप केस नंबर वन एटलीस्ट रीड करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, मैं आपको एक एक करके समझाता जा रहा हूं कि मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग जो हमने पढ़ी हुई है और अब जो शॉर्टकट अकाउंटिंग है, मैं उसको जानबूझ के वर्ड दे रहा हूं शॉर्टकट अकाउंटिंग। एक है आपकी मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग और एक है प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट विच यू कैन फॉलो एज पर पैरा 46। सो वी कैन से द ऑल्टरनेटिव एड्स पैरा 46 अकाउंटिंग। पैरा 46 अकाउंटिंग तब अप्लाई होगी जब चार कंडीशन फुलफिल होंगी। अब ये चार कंडीशन जो फुलफिल होंगी तो तुम अगर पैरा 46 अकाउंटिंग फॉलो करोगे तो वो कैसे फॉलो हो सकती है? तो इसके लिए मैंने कुछ केसेस बनाए हैं, क्या क्या हो सकता है। तो केस वन क्या है? केस वन कह रहा है अनकंडीशनल वेवर। वेवर मतलब वेव कर देना, वेव कर देना मतलब माफ कर देना, ठीक है ना? वेवर, लेसर ने लेसी को एक महीने का रेंट माफ कर दिया, दो महीने का, टू मंथ्स, थ्री मंथ्स, फोर मंथ्स वेवर, एंड दैट टू अनकंडीशनली। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अनकंडीशनल? अनकंडीशनल मींस कि लेसर टोल्ड लेसी दैट ओके आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू द मनी, आस्क यू द अमाउंट फॉर नेक्स्ट फोर मंथ्स रेंट, आई एम नॉट गोइंग टू
आस्क यू द अमाउंट फॉर 4 मंथ्स, मैं तेरे से 4 महीने का रेंट नहीं लूंगा, बात खत्म, 4 महीने के बाद तू मुझे पे करेगा, अनकंडीशनल वेवर ऑफ लीज पेमेंट विथ नो रिकवरी इन फ्यूचर। और जो 4 महीने का मैं तेरे से रेंट नहीं ले रहा हूं ना, इसकी मैं फ्यूचर में रिकवरी भी नहीं करूंगा, टेंशन मत ले, इसकी रिकवरी भी नहीं करूंगा, दैट्स इट। इसका मतलब अगले 4 महीनों का मेरा रेंट कितना होगा? जीरो। बहुत अच्छी बात हो गई यार, ये तो आई बात समझ में कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। कैसे करेंगे नाउ, इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे एज पर पैरा 46। नाउ व्हाट इज द पैरा 46 अकाउंटिंग, टेल मी वन थिंग, अगर मैं पैरा 46 अकाउंटिंग फॉलो ना करूं, अगर ये लीज अकाउंटिंग हो, अगर ये लीज अकाउंटिंग हो, सॉरी मॉडिफिकेशन, लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग हो, तो इसको कैसे फॉलो किया जाएगा? हम चलते हैं लीज मॉडिफिकेशन की अकाउंटिंग पर। टेक्निकली केस 3 शुड बी फॉलोड बिकॉज चेंज इन कंसिडरेशन ओनली। सो लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कैसे होगी? हम बोलेंगे यार आज के दिन मुझे वेवर मिला है, मतलब मॉडिफिकेशन डेट। लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग कहता है कि अब आपके जितने भी लीज पेमेंट आने वाले हैं उन सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालो रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट पर। हाईलाइट करो, रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट पर। तो अपकमिंग अगले महीने का, उसके अगले महीने का, उसके अगले महीने का, तो 0000 उसके बाद जो भी है उनको रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट पर आज प्रेजेंट वैल्यू निकालो। दैट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लाइबिलिटी शुड बी कंपेयर्ड विद द एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी, द डिफरेंस विल बी एडजस्टेड टू द आरओयू। सो लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो हमें रिवाइज डिस्काउंटिंग रेट लेना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू के लिए, फिर से जो प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और उसका जो भी डिफरेंस आएगा वो आरओयू में एडजस्ट होगा। अब आपकी पैरा 46 अकाउंटिंग क्या है? देखो पैरा 46 अकाउंटिंग कहता है रीमेजर द लीज लाइबिलिटी। अच्छा, लीज लाइबिलिटी और रीमेजर करनी पड़ रही है ऑन द डेट ऑफ फर्स्ट कंसेशन। फर्स्ट कंसेशन मतलब मॉडिफिकेशन डेट, बेस्ड ऑन रिवाइज्ड टर्म्स एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट एंड चार्ज डिफरेंस टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों बदलाव हो गए, एक तो पैरा 46 अकाउंटिंग कह रहा है कि आप प्रेजेंट वैल्यू फिर से निकालेंगे, डोंट वरी, आपको तो निकालना ही पड़ेगा बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड लीज पेमेंट, बट जो डिस्काउंटिंग रेट होगा वो आपका ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट होगा, आपको रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी लीज लायबिलिटी आएगी उसको कंपेयर करोगे कैरिंग अमाउंट से, जो डिफरेंस आएगा वो आरओयू में एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप पीएनएल में उसको ट्रांसफर कर दो, मतलब अब आपका आरओयू में कुछ भी नहीं जाएगा। हाँ, आरओयू को इंपेयरमेंट वगैरह करते रहेंगे अलग बात है, डेप्रिशिएट करते रहेंगे अपने हिसाब से अलग बात है। तो इंपॉर्टेंट फिर से क्या है, आने वाले 4 मंथ्स का रेंट वेव हो गया, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड लीज पेमेंट्स, या आने वाले 4 मंथ्स का पेमेंट मुझसे चार्ज कंसेशन मिल गया, 1 लाख की जगह 50,000 चार्ज किया जाएगा, कैलकुलेट द रिवाइज लीज पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज लीज पेमेंट एट ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, जो भी लीज लाइबिलिटी आएगा कंपेयर विद द कैरिंग अमाउंट, जो भी डिफरेंस आएगा उसको पीएनएल में डालो। दिस इज योर शॉर्टकट अकाउंटिंग, मतलब पैरा 46 अकाउंटिंग। रीमेजर्ड लीज लाइबिलिटी क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश आउटफ्लोस बेस्ड ऑन ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। तो इंपॉर्टेंट यहां पर डिफरेंस क्या है लीज मॉडिफिकेशन से? लीज मॉडिफिकेशन में डिस्काउंट रेट हम रिवाइज लेते थे, यहां डिस्काउंट रेट हम ओरिजिनल लेंगे। दूसरा, आरओयू असेट शैल बी टेस्टेड फॉर इंपेयरमेंट, मतलब आरओयू असेट को एडजस्ट नहीं करोगे, आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंस जाएगा बस, ये दूसरा डिफरेंस। आई बात समझ में? सो दिस इज अ सिंपल थिंग बेसिकली, जहां आप आरओयू में चेंजेस नहीं कर रहे हो और जहां आप लीज लायबिलिटी को बदल तो रहे हो, पर बदलने पर जो डिफरेंस है वो पीएनएल में जा रहा है, और जो रीमेजर कर रहे हो लीज लायबिलिटी को उसको आप, उसके लिए जो डिस्काउंट रेट ले रहे हो वो डिस्काउंट रेट आप ओरिजिनल ले रहे हो, आपको रीएस्टिमेट करना ही करना पड़ेगा डिस्काउंट रेट को। आई मेरी बात समझ में कि नहीं गाइस? क्लियर? सो दिस इज द थिंग, केस नंबर वन। आई मेरी बात समझ में बेटा? क्लियर हो गया? दिस इज द केस नंबर वन, दिस इज केस नंबर वन, ठीक है बेटा? केस नंबर वन समझ आया? करवाऊं आपको मैं ये केस नंबर वन सॉल्व करवाता हूं। चलो ये केस नंबर वन आपको सॉल्व करवाता हूं, इसका क्वेश्चन आपको हमारे मॉड्यूल वन में ही मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने मॉड्यूल वन में इसका क्वेश्चन डाला हुआ है, आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 34। बस मॉड्यूल वन में आ जाओ और इलस्ट्रेशन नंबर 34 पे आ जाओ और इसको लिख दो एग्जाम, और वो भी एग्जाम, अगर मुझे तो पर्सनली लगता है
अगर वो भी आपका अपकमिंग मई 21 नवंबर 21 एग्जाम है, मुझे लगता है वो वाले बच्चे तो मुझे बहुत ही कम देख रहे होंगे, क्योंकि आई होप जब भी हम एफआर की क्लासेस परचेज करते हैं तो वही स्टूडेंट परचेज करते हैं जो इंटर से जस्ट अभी क्लियर होके आए हैं और उन्होंने पहला सब्जेक्ट एफआर लिया है या फिर दूसरा सब्जेक्ट लिया है, और जिनके पास 2 साल का तो मिनिमम टाइम है, ऐसा मेरा मानना है। तो ऑब्वियसली जिस टाइम में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी तो मई 21 आने ही वाला है, तो मुझे नहीं लगता कि क्या है कैसा है आगे के लेक्चर्स, आगे के जो बच्चे हैं उनके हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन एग्जाम पर्पस के लिए होना चाहिए, बट फिर भी चलो ठीक है, मैंने एग्जाम पर्पस लिखवा दिया। अब आते हैं मुद्दे पे। ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने खुद ड्राफ्ट किया है, ये कोई इंस्टीट्यूट का एग्जाम नहीं, एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। लीज टर्म 2 ईयर्स है, ध्यान से देखिए, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है। 2 साल का लीज टर्म है, लीज टर्म में चाहता तो मैं 10 साल का भी ले सकता था, पर ना वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती। आप बोलोगे सर ज्यादा कैसे होती, 10 साल का डिस्काउंटिंग करने में तो कोई दिक्कत थोड़ी है, ऐसे तो क्वेश्चन हमने किए नहीं, यहाँ पर मुझे मंथली रेंटल लेना है। मैंने बोला ना प्रैक्टिकल मैंने एग्जाम्पल बनाया है, हम बेसिकली जनरली हम रेंटल मंथली बेसिस पे पे करते हैं, तो 2 साल फ्रॉम 1 जन 20 ऑनवर्ड्स लीज रेंट 50,000 पर मंथ, तो हर मंथ का डिस्काउंटिंग करना, साल में 12 महीने, 10 साल में 120 महीने, अगर मैं 10 साल ले लेता तो मुझे 120 टाइम्स इक्वल टू दबाना पड़ता इन अरियर्स। बेटा इन अरियर्स जब भी लिखा है तो इसका मतलब होता है एट द एंड ऑफ मंथ, एट एंड ऑफ मंथ। डिस्काउंट रेट 12% पर एनम, ठीक है ना, ऑन 1 जनवरी 2020, ठीक है ना, तो ये 1 जनवरी 2020 को अपना कमेंसमेंट डेट हो गया। लेसर अग्री टू प्रोवाइड रेंट कंसेशन टू लेसी ड्यू टू कोविड-19 एज अंडर केस नंबर ए, अनकंडीशनल वेवर ऑफ लीज पेमेंट फ्रॉम अप्रैल 20 टू सेप्टेम्बर 20। लेसर ने मुझे 6 महीने का लीज रेंट कंसेशन दे दिया, लीज रेंट कंसेशन दे दिया, इसका मतलब क्या, फुल कंसेशन, फुल डिस्काउंट। अज्यूम 100% कंसेशन, अज्यूम 100% कंसेशन, मतलब अप्रैल एंडिंग पर, मई एंडिंग पर, जून एंडिंग पर, जुलाई एंडिंग पर, अगस्त एंडिंग पर और सितंबर एंडिंग पर मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। अब इस केस को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 2020, हमें यह पता होना चाहिए हमारा इनिशियल रिकॉग्निशन क्या है। हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो है 12% पर एनम, जो डिस्काउंट रेट है वो है 12% पर एनम, डिस्काउंट रेट इज 12% पर एनम, तो हमें चाहिए डिस्काउंट रेट 1% पर मंथ, हमें 1% पर मंथ का डिस्काउंट रेट चाहिए, ठीक है ना, 1% पर मंथ का डिस्काउंट रेट चाहिए। लीज टर्म कितना है, लीज टर्म कितना है, 2 ईयर्स, तो मैं 2 ईयर्स को लिख रहा हूं, 24 मंथ्स, आई बात समझ में कि नहीं, 24 मंथ्स। अच्छा लीज पेमेंट कितना है, लीज पेमेंट कितना है, 50,000 पर मंथ, तो हम बोलेंगे इनिशियल रेकग्निशन, मैं क्या करूंगा, मैं 12% को कंसीडर नहीं करूंगा, मुझे 12% नहीं चाहिए, मुझे 1% के हिसाब से चाहिए, क्योंकि पर मंथ मेरे पेमेंट जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा इनिशियल रिकॉग्निशन 50,000 इनटू, मुझे 1% के हिसाब से 24 मंथ्स का डिस्काउंटिंग, तो 1 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, मतलब 1.01, 1.01 डिवाइड बाय इक्वल टू कितनी बार करना है, 24 बार करना है, और जीटी दबाना है, ये आ जाएगा 21.2434, 2434, तो ये 50,000 इंटू 21.2434, ये आ जाएगा 10,62,170, ये आ गया आपका इनिशियल रिकॉग्निशन लीज आरओयू अकाउंट डेबिट, आरओयू असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है ना, हमने एंट्री कर दी आर ओ यू असेट डेबिट टू
लीज लाइबिलिटी 1062170, 1062170। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट पूरी तरीके से आपका क्लियर हो गया गाइस, अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? ठीक है, अब ये कब हुआ था? ये हुआ था 1st of January 2020, 1st of January 2020। हम क्या करेंगे सर, हमें कंसेशन कब मिला? हमें कंसेशन मिला अप्रैल मंथ से, तो हमने जनवरी का पेमेंट किया होगा, फरवरी का पेमेंट किया होगा, मार्च का पेमेंट किया होगा, अप्रैल पे आके हमने पेमेंट नहीं किया होगा। ठीक है ना, आइए मैं कुछ आपको दिखाता हूं केस ए की थोड़ी सी बातें। ये आ जाइए केस ए। केस ए में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एट 1% पर मंथ डिस्काउंटिंग एट 1st जनवरी 50,000 इंटू 21.2432। पिछला मैंने कितना लिया, 2434 लिया था, 2432 हो गया, कोई बात नहीं। ये आ गया 10,62,160। ये आपका आरओयू असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, आपका इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया, इनिशियल रिकॉग्निशन आपको क्लियर। अब हमने 3 मंथ्स का पेमेंट किया होगा, तो कैसे किया होगा, ये लीज लायबिलिटी शेड्यूल बना लिया मैंने और इंटरेस्ट शेड्यूल बना लिया। तो सबसे पहले मंथ ऑफ जनवरी में आपका ओपनिंग बैलेंस 10,62,160, ये 10,62,160 इसके ऊपर लगेगा 1% का इंटरेस्ट पर मंथ बेसिस पे। अब हम इंटरेस्ट पर मंथ बेसिस पे लगाएंगे, ठीक है, तो ये 1% का इंटरेस्ट लगा और हमने लीज पेमेंट पे किया इन अरियर मतलब एंड ऑफ द मंथ में, तो -50, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, जनवरी का क्लोजिंग आ गया, जनवरी एंडिंग में। फिर फरवरी बिगनिंग में यही आपका ओपनिंग बैलेंस आया, इस पे आपने इंटरेस्ट लगाया, लीज पेमेंट किया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया फरवरी एंडिंग का, फरवरी एंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस मतलब मार्च का ओपनिंग बैलेंस, तो मार्च का ओपनिंग बैलेंस यही आया 983,010, जो कि पिछला आपका फरवरी का क्लोजिंग था। इस पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, आपने पेमेंट किया मार्च का महीना, चलो आपने पेमेंट कर दिया मार्च में 23rd मार्च को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 या 23rd मार्च को लॉकडाउन लग गया था, ठीक है ना, 22 या 23rd मार्च को लॉकडाउन लग गया था, वो जनता कर्फ्यू, ठीक है, उससे उसके आसपास ही लग गया था। तो मान लो जो एंटिटी है लेसी बोल रहा है, चलो ठीक है यार मार्च के महीने का रेंट पे कर दिया, इतनी जल्दी थोड़ी कोई सीरियस हुआ था कोरोना को लेकर, ठीक है, तो ये आपका मार्च महीने का क्लोजिंग आ गया। अप्रैल का ओपनिंग वही आ गया, अप्रैल का ओपनिंग के बाद इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट भी लग गया क्योंकि जो लीज रेंट होता है वो तो मंथ के एंड में ड्यू होता है, तो साल भर पूरे महीने भर का इंटरेस्ट तो लगेगा ना, बट यहां आपने लीज रेंट पे नहीं किया बिकॉज यू गॉट द कंसेशन। एंड हाउ मेनी मंथ्स यू गॉट? यू गॉट 6 मंथ्स कंसेशन अनकंडीशनली, ठीक है ना, तो आपने यहां पर पे नहीं किया और आपका ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस, जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ऑलरेडी बोर्ड में लिखा हुआ है, तो 952268। सो ऑन 30th अप्रैल यू गॉट द, ऑन 30th अप्रैल यू हैवंट पेड द अमाउंट। नाउ व्हाट यू विल डू, आप क्या करोगे इस चीज को लेकर, आपको कंसेशन दिया गया तो आप इस चीज को लेकर किस तरीके से ट्रीट करोगे, आप इसको कैसे करके ट्रीट करोगे, ठीक है, आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, समझना मेरी बात को। अनकंडीशनल वेवर ऑफ लीज पेमेंट फ्रॉम अप्रैल 20, अप्रैल 20 से आपको मिल गया है ना, हम यहां अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी बातचीत हुई है लेसर के साथ, जो हमें कंसेशन मिला है वो 1st अप्रैल को नहीं मिला है, वो हमें 30th अप्रैल को मिला है, ठीक है ना, हमें कंसेशन 30th अप्रैल को मिला है, तो हम बोलेंगे कि यार 30th अप्रैल को मुझे कंसेशन मिल गया, चलो मैंने 30th अप्रैल का लीज पेमेंट तो नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हम लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग तो कर नहीं रहे, हम कर रहे हैं पैरा 46 अकाउंटिंग मतलब शॉर्टकट, शॉर्टकट भी करें तो भी हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज्ड कैश आउटफ्लोस तो निकालने पड़ेंगे। तो अभी तक जो हमारे कैश आउटफ्लोस थे वो ये था कि मई का 50, जून का 50, जुलाई का 50, अगस्त का 50, सितंबर का 50 एंड सो ऑन, बट नाउ रिवाइज इज मई का 0, जून का 0, जुलाई का 0, अगस्त का 0, सितंबर का 0, अक्टूबर का 50, नवंबर का 50 एंड सो ऑन। तो नाउ वी हैव आर रिवाइज्ड कैश आउटफ्लोस जिसकी हमें डिस्काउंटिंग करनी पड़ेगी ओरिजिनल डिस्काउंट रेट मतलब 1% पे। तो देखो दिस इज द रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी इज 659,595 टू बी डिटरमाइंड एज अंडर। कैसे, मई 20 का लीज पेमेंट निल, जून का निल, जुलाई का निल, अगस्त का निल, सितंबर का निल, अक्टूबर का 50-50, ऐसे करते 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 दिसंबर 21 तक चले गए, 24 मंथ्स कवर करने ना भाई, जनवरी फरवरी मार्च हो चुका है, अप्रैल भी 0 हो चुका है, सो बेसिकली आउट ऑफ 24 मंथ्स 4 मंथ्स हैव बीन पास्ड, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी, 20 मंथ्स का हमें कैश आउटफ्लो हमें मिल गया। हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला 1% पे, ओरिजिनल डिस्काउंट रेट, उसका हमारा प्रेजेंट वैल्यू आ गया दैट इज 6,595,9, 6,595,9, ये रिवाइज लाइबिलिटी हमारा आ गया। और ये हमारा है कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी। करना क्या आएगा आपको, डिफरेंस निकालना है, मतलब 952,268 और 6,595,595 आपको डिफरेंस आया। डिफरेंस कितना आया, एडजस्टमेंट एंट्री एज ऑन 30/4 इन केस ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट टेकन, लीज लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, टू प्रॉफिट एंड लॉस, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। मैं पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने बाकायदा ये सॉल्व करवाया है और हमने लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग देखी है, तो हम समझ सकते हैं, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ प्रेजेंट वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं। आपका ये लीज लाइबिलिटी चला गया, दैट्स इट। रिवाइज लीज लाइबिलिटी कितना आया, रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लाइबिलिटी 6,595,595, ठीक है, ऑन विच फाइनेंस चार्जेस फॉर द फर्दर पीरियड टू बी कैलकुलेटेड। अब आपका आज के दिन 30 अप्रैल को आपका रिवाइज लीज लाइबिलिटी हो गया 6,595,595। तो देखो ध्यान से, मई का ओपनिंग बैलेंस आ गया 6,595,595, जबकि मई का ओपनिंग बैलेंस ओरिजिनली कितना था, मई का ओपनिंग बैलेंस था 952,268, मतलब अप्रैल का क्लोजिंग, पर हमने फर्स्ट मई को ये एंट्री की, 30 अप्रैल या फर्स्ट मई को हमने एंट्री की, जैसे लीज लाइबिलिटी कम हो गई, अब आपका मई का ओपनिंग बैलेंस ये आया, इस पे आपने फर्स्ट 1% इंटरेस्ट लगाया, पेमेंट आपको कुछ करना नहीं है, और आपका क्लोजिंग आया वैसे ही, आपका इंटरेस्ट लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, लगता जा रहा है, अक्टूबर का जो ओपनिंग बैलेंस आया यहां से वेवर खत्म, यहां पर आपका इंटरेस्ट लगा और यहां से आपका लीज पेमेंट पे होना वापस से शुरू और क्लोजिंग बैलेंस, और ऐसे सो ऑन कंटिन्यू आपका होता रहेगा। दिसंबर 21 तक अगर बाकी कोई चेंजेस नहीं हुए तो आपकी लीज लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि आपका लीज टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका अनकंडीशनल वेवर, कुछ नहीं करना है, आपको पहले से ही पता है कि कितने मंथ्स का आपको वेवर मिला है, इसकी कोई फ्यूचर रिकवरी नहीं होगी, दैट्स इट। आप सिंपली इसको फॉलो करो, हो जाएगा केस। आई बात समझ में कि नहीं? मुझे लगता है कि आपको इसमें दो बातों पर फोकस करना चाहिए, पैरा 46 की अकाउंटिंग पर। मैं आपको बताऊं, मैं चाहूं तो इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकता हूं, बट मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। समझने की बात करो, समझने की बात ये है कि पैरा 46 कहता है कि भाई दो बहुत महत्वपूर्ण, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं नॉर्मल लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग से। ऐसे दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस कौन से हैं, ऐसे दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं, पहला कि आप जब रिवाइज्ड लीज लाइबिलिटी निकालोगे तो आपको डिस्काउंटिंग रेट जो लेना है वो ओरिजिनल डिस्काउंटिंग रेट लेना है, ठीक है ना, पहला इंपॉर्टेंट डिफरेंस। दूसरा, जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू आएगा उसको जब आप एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करोगे तो जो डिफरेंस आता है आप उस लीज मॉडिफिकेशन में आरओयू में एडजस्ट करते थे, इस बार आप उसको पीएनएल में ले जाएंगे, दैट्स इट। बस इसके अलावा और कोई बदलाव नहीं है, और कोई चेंजेस नहीं है। ये मैंने आपको करवाया केस नंबर ए, ठीक है ना। अभी आप क्या करेंगे, आप इस केस नंबर ए को प्रॉपरली एक बार देख लीजिए। मैंने आपको केस नंबर ए करवाया विच वॉज बेस्ड ऑन फर्स्ट केस, केस वन, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि आप केस थ्री पढ़ें, केस टू ना पढ़ें फिलहाल, 2 मिनट केस टू मत पढ़िए, आप पढ़िए केस नंबर थ्री, आप पढ़िए केस नंबर थ्री। केस नंबर थ्री क्या है, वेवर ऑफ लीज पेमेंट विथ फ्यूचर रिकवरी। सुनना, वेवर ऑफ लीज पेमेंट विथ फ्यूचर रिकवरी इसको कैसे करेंगे, एग्जाम्पल देख लीजिए। हाँ, ये रहा, वेवर ऑफ मंथली लीज रेंट ऑफ 50,000 फ्रॉम अप्रैल टू सेप्टेंबर विथ 50% रिकवरी देयर ऑफ फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स। ये कह रहा है कि अप्रैल से लेकर सेप्टेंबर तक मुझसे कोई भी लीज रेंट नहीं लिया जाएगा, 50-50-50, वाह बल्ले 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 हो गया, बट 50,000 का आधा 25% रिकवर किया जाएगा एक्स्ट्रा अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब 6 महीनों का जो मुझे कंसेशन मिला है उसका 50% रिकवर किया जाएगा अगले 6 महीनों में। इसका मतलब अक्टूबर में मुझसे 75,000 लिया जाएगा क्योंकि अक्टूबर का 50,000 लिया जाएगा प्लस 25,000 अप्रैल का, फिर नवंबर में नवंबर का 50,000 प्लस 25,000 मई का, दिसंबर में दिसंबर का 50,000 प्लस 25,000 जून का, एंड सो ऑन। तो ये केस बी आप सोचो कैसे होगा, मैं आपको एक बार बताऊं, जैसे आपने ऊपर किया केस है वैसे ही केस बी होगा। करना क्या है, आपका रिवाइज्ड कैश आउटफ्लोस तैयार हो चुके हैं,
आपके रिवाइज कैश आउटफ्लोज क्या है, अप्रैल एंडिंग पर आपको कंसेशन मिला तो अप्रैल एंडिंग पर तो आपने जीरो आपने पे नहीं किया, मई एंडिंग जीरो, मई से लेकर सोचोगे मई में लीज पेमेंट जीरो, जून जीरो, जुलाई जीरो, अगस्त जीरो, सितंबर जीरो, अक्टूबर 75, नवंबर 75, दिसंबर 75, जनवरी 75, फरवरी 75, मार्च 75, अप्रैल नेक्स्ट मंथ का, नेक्स्ट ईयर का अप्रैल वापस से 50, मई 50, जून 50, ऐसे करके। आइए मैं बता रहा हूं ये कौन सा है, केस बी। केस बी तो केस बी में वही हो गया, फर्स्ट पॉइंट तो आपका आपका फर्स्ट पॉइंट वही हो गया, ठीक है। सेम आरओयू इनिशियल रिकॉग्निशन, दिस इज योर इनिशियल रिकॉग्निशन। सेकंड लीज लायबिलिटी एंड इंटरेस्ट शेड्यूल इज सेम टू सेम 952268 बिकॉज यू हैवंट पेड फॉर द अप्रैल मंथ, कैरिंग अमाउंट इज 952268। रिवाइज लीज लायबिलिटी इज 7,97,450। हाउ, मई जीरो, जून जीरो, जुलाई जीरो, अगस्त जीरो, सितंबर जीरो, अक्टूबर से लेकर मार्च 75,000 रिकवरी, यहां पर आपकी रिकवरी हो रही है। एंड हाउ मच रिकवरी, 50% वॉट एवर वो जितना भी बोले, हो सकता है वो 100% बोलते तो हम 1 लाख 1 लाख ले लेते। फिर आप यहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इट इज बेस्ड ऑन 1% ओनली। यकीन नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देता हूं, 1% का निकालोगे 1 डिवाइड बाय 1.01 इक्वल टू, पहली बार करोगे तो आएगा 0.9901, यही आ रहा है 0.9901, ठीक है। इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 7,97,450। इसको कंपेयर करोगे एग्जिस्टिंग लीज लायबिलिटी के कैरिंग अमाउंट से तो ये आएगा आपका 1,54,818, लीज लायबिलिटी चली जाएगी पीएनएल में, दैट्स इट। बहुत ही आसान है यार, क्या दिक्कत है, ये आपका चला गया आपका पीएनएल में। आपकी रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ लीज लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 7,87,450, ठीक है ना। और उस 7,87, एक सेकेंड, 797 की 787, 797, ये गलत है, 797, ये 797,450 के ऊपर वापस से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा 1%, जबकि पे तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, और क्लोजिंग बैलेंस वैसे ही करते करते फिर यहां से 75,000 पे करते रहेंगे एंड सो ऑन। कुछ नहीं है बेटा, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये आपको केस नंबर ए और केस नंबर बी करवा दिया, विच वॉज बेस्ड ऑन केस नंबर वन एंड केस नंबर थ्री। आप एक बार आराम से देख लो, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, 5 मिनट में आप क्या करना है, आपको ये जहां टिक लगे हुए हैं इसको पढ़ने के साथ साथ आप इनके सॉल्यूशन देखेंगे, केस ए केस बी समझ में आ गया, और आगे का टाइम है तो आप बाकी ये वालों करोगे, आप ये वाला फिर और पढ़ोगे केस टू, जिसका केस सी से रिलेशन है, ठीक है ना। केस टू अबव जिसका सी से रिलेशन है। चलो आप इसको पहले एक बार देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप एक देख लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
चलो बेटा बढ़ते हैं आगे, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। नाउ व्हाट इज डिफरेंट इन दिस केस? मुझे नहीं लगता कि कुछ डिफरेंट है, बल्कि अच्छा केस है और इजी केस है, बल्कि और मेहनत कम हो जाएगी। वो देखो क्या बोल रहा है, कंडीशनल वेवर ऑफ लीज पेमेंट विथ नो रिकवरी इन फ्यूचर। कंडीशनल वेवर मतलब मैं गया लेसर के पास, मान लीजिए मैं एक सिनेमा हॉल ऑपरेट करता हूं, मैं सिनेमा हॉल ऑपरेट करता हूं, या मैंने पीवीआर का फ्रेंचाइजी लिया हुआ है एक मॉल में, एक मॉल में। अब मॉल तो किसी और का है, स्पेस मैंने मॉल से मैंने स्पेस लिया है पीवीआर सिनेमास चलाने के लिए, ठीक है ना, मतलब रेंट पे। अब आप समझ सकते हो कि कोविड-19 में सिनेमा हॉल्स बंद हो गए, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग अक्टूबर नवंबर तक भी सिनेमा हॉल्स ओपन नहीं हुए हैं पूरी इंडिया की बात करें तो। सिलेक्टेड स्टेट्स में अलाउ कर दिया गया कि ठीक है ओपन हो सकते हैं विथ प्रॉपर सेफ्टी एंड केयर, लाइक मुंबई का बीच में समझ सुनने में आया था कि अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, मिड अक्टूबर से या फिर नवंबर से, ऐसा ऐसा सुना ही दिया था। बट पूरे पूरे इंडिया में, ऑल स्टेट में शायद स्टार्ट अभी तक नहीं हुआ है, या माइट भी शायद कोई जा नहीं रहा है अगर स्टार्ट हुआ भी है तो मैं मान के चलूं कि यार उसकी कोई पता नहीं था कि कब तक कैसा होगा क्या होगा। एज ए लेसी मैं गया ओनर के पास, मैंने बोला कि भैया ये सिनेमा हॉल हमारा बिजनेस है, सिनेमा हॉल का तो हमारा हालत खराब चल रही है, आप हमारा वेव कर दीजिए, लीज रेंट वेव कर दीजिए। लेसर ने बोला कि मैं आपका लीज रेंट वेव करूंगा पर मंथ बेसिस पे सिचुएशन देख के, मतलब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आने वाले 6 महीने का वेव, आने वाले 7 महीने का, सात महीने का वेव, 1 साल का वेव, हर महीने के अकॉर्डिंग सिचुएशन देख के। वैसे भी गवर्नमेंट हर महीने का सेपरेट एसओपी निकाल रहा है, तो उसके बेसिस पर हो सकता है शायद अगले महीने से अलाउ कर दे। तो फिर तो बेसिकली जब से गवर्नमेंट अलाउ कर देगी तब से मैं आपसे रेंट लेना शुरू कर दूंगा। इसका मतलब एट द पॉइंट व्हेन आई गॉट द कंसेशन आई डोंट नो कि मुझे ये कंसेशन कितने समय तक मिल रहा है। मुझे बस इतना पता है कि इस महीने का मुझे पे नहीं करना पड़ेगा, अगले महीने का मुझे पे करना पड़ेगा कि नहीं आई डोंट नो, फिर अगले महीने के पे करना पड़ेगा कि नहीं उसके लिए सेकंड नेक्स्ट मंथ में जब अपन आएंगे तब हमें मालूम पड़ेगा। सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कंडीशनल वेवर, ठीक है ना। तो कंडीशनल वेवर और आसान हो गया, पता है क्यों? कंडीशनल वेवर में आपको प्रेजेंट वैल्यूज भी निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज नाउ अंडर कंडीशनल वेवर यू डोंट नो द एग्जैक्ट कैश आउटफ्लो, आपको कैश आउटफ्लो पता ही नहीं है। नेक्स्ट मंथ आपको पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा ये आपको पता नहीं, उसके नेक्स्ट मंथ पे करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा आपको पता नहीं, यू डोंट नो, सो यू कांट इवन एक्सपेक्ट द कैश आउटफ्लो। वॉट विल यू डू एट द एंड ऑफ एवरी मंथ जब आप लीज लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते हो? जैसे एक बात बताओ, जो आप लीज लाइबिलिटी का अकाउंट बनाते हो, मान लो आपके पास बाय बैलेंस पड़ा हुआ है 7 लाख रुपीज, ठीक है ना, बाय बैलेंस 7 लाख रुपीज ये पड़ा हुआ है 1 अप्रैल 2020 को। आपने अप्रैल के महीने में ही आप गए और आपने लेसर को बोला मुझे कंसेशन चाहिए, लेसर ने बोला ठीक है कंडीशनल वेवर ले लो, मतलब अप्रैल का मत दो मई का, मैंने बोला मई का, उसने बोला मई का अभी नहीं बोल सकते बेस्ड ऑन एसओपी, मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने सबसे पहले तो इंटरेस्ट चार्ज किया यहां पर 1% पर एनम के हिसाब से, तो 7 लाख × 1% 7,000 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ। फिर 30 अप्रैल आया, हमें तो पे करने की जरूरत ही नहीं है, तो जब हम यहां पर बैंक करते हैं तो ये तो हमें पे करने की जरूरत ही नहीं, तो इसलिए हम करेंगे टू पी एंड एल, मतलब सीधा सीधा जितना जितना मुझे पे करना था पर मैंने पे नहीं किया, सीधा सीधा चला गया पी एंड एल में, मतलब 50,000 चला गया पी एंड एल में। अब 30 अप्रैल को क्या बचा? बैलेंस 7 लाख + 7,000 - 50,000 ये आ गया 6,57,000। चलो बॉस ये हो गया खत्म, अब आते हैं अगले महीने में, बाय बैलेंस 6,57,000 कितना? 1, ये अप्रैल था, ये हो गया 1 मई 2020, 1 मई को हो गया, मैं वापस आया 1 मई को, इंटरेस्ट चार्ज हुआ बाय इंटरेस्ट 6,570,
मैं पूछा, मैंने बोला ले सर के पास, देखो इस महीने भी हमारा पीवीआर खुला नहीं है, सिनेमा हॉल खुला नहीं है, मैं नहीं पे करूंगा। उसने बोला चलो ठीक है पे नहीं करना। मैंने बोला अगले महीने का क्या? उसने बोला अगले महीने का अभी कुछ नहीं बोल सकते। तो फिर टू पीएनएल 50,000, टू बैलेंस। अरे कहने का मतलब, जब मुझे पता ही नहीं कि मेरे आगे आने वाले पेमेंट्स कितने सर्टेन है, मुझे सर्टेनिटी पता नहीं है, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। हर महीने का जो वेवर हो रहा है वो डायरेक्टली पीएनएल में डाल दो, दैट्स इट। मतलब टू बैंक करते थे, अब टू पीएनएल करते जाओ, दैट्स इट। इतना आसान। आई बात समझ में? सो ये वही है क्या बोल रहा है, देयर माइट बी द केस वेयर लेसर अग्री टू वेव लीज पेमेंट ओनली टिल द डेट व्हेन लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड, विल लिफ्ट, दैट इज द डेट टिल विच बिजनेस ऑफ लेसी विल बी मोस्ट अफेक्टेड। हेंस हियर इट इज अ कंडीशनल वेवर वेयर एग्जैक्ट पीरियड ऑफ वेवर इज नॉट नोन। लेसर ये एग्री हो गया कि चल ठीक है, जब तक लॉकडाउन लिफ्ट नहीं हो जाता तब तक मैं तेरे को वेव करूंगा। अब लॉकडाउन कब लिफ्ट होगा ये तो हम नहीं जानते भाई, ये तो इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं जानती। वो तो हर डे वाइज बेसिस पर जज कर रही है कि यार हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों को वापस से ओपन करना चाहिए। समझ में आई बात की नहीं? रिड्यूस द लीज लायबिलिटी ऑन मंथली बेसिस ओनली टिल द टाइम रेंट कंसेशन कंटिन्यूज। जब जब आपको रेंट कंसेशन मिल रहा है आप लायबिलिटी रिड्यूस करके पीएनएल में डाल दो एंड चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बस आपको यही पॉइंट इंपॉर्टेंट समझनी है। आगे इंटरेस्ट फाइनेंस चार्ज शैल बी अक्रूड मंथली एट द सेम ओरिजिनल डिस्काउंट रेट। इंटरेस्ट जैसे निकालते हो वैसे निकालते जाओगे। आरओयू असेट शैल बी टेस्टेड फॉर इंप्रूवमेंट, दैट्स इट। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इतना आसान। क्या दिक्कत? मजे ही मजे। कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, सिंपल। सो गाइस दिस वाज बेसिकली पैरा 46 बी की कंडीशंस और पैरा 46 ए की अकाउंटिंग। तो बेसिकली दिस वाज द पैरा 46। व्हाट डू यू मीन बाय पैरा 46 ऑफ इंड एस 116? ये पैरा 46 जैसे जरूर याद करना। विद दिस पैरा 46 टॉक अबाउट COVID-19 रिलेटेड रेंट कंसेशन। दिस इज द ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग। ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग मीन्स देयर इज अ ओरिजिनल लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग बट दिस इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ लीज मॉडिफिकेशन बेसिकली। सो वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग एंड पैरा 46 अकाउंटिंग? पैरा 46 अकाउंटिंग इज ओनली एंड ओनली टू बी अप्लीकेबल वेन देर इज अ COVID-19 रिलेटेड रेंट कंसेशन एंड वेन वी आर फुलफिलिंग सम बेसिक कंडीशन। वॉट आर द कंडीशन? द रेंट कंसेशन इज गिवन बिकॉज ऑफ COVID-19, ठीक है ना। रिवाइज लीज पेमेंट आफ्टर द कंसेशन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द ओरिजिनल लीज पेमेंट बिफोर कंसेशन। थर्ड, कंसेशन रेंट कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ओनली एंड ओनली दोज पेमेंट विच आर ड्यू ऑन और बिफोर 30th जून 2021, ठीक है ना। 30th जून 2021 के बाद के भी पेमेंट पे अगर मुझे कंसेशन मिला है सो यू कैंट अप्लाई पैरा 46 ओवरऑल। फोर्थ, no major change in any other terms and conditions, no substantive changes in any other conditions and terms of the lease agreement, ठीक है। ये चार कंडीशन। now what to do अगर आप ये चार conditions follow कर रहे हो, lessee के ऊपर apply होगा। तो lessee has option, either lessee can follow lease modification accounting properly, if it follows lease modification accounting lessee needs the revised discounting rate, whatever difference will be there we know that it will be charged definitely transfer, it will be charged to ROU. But under para 46 accounting, which is actually the shortcut, this says do not consider this revised discounting rate, apply the same original discounting rate, remeasure the lease liability if there's a unconditional waiver and you know the cash outflows. After remeasurement, whatever the difference is charged to P&L. Do not adjust with the ROU. But yes, of course, the ROU will be impaired. ठीक है ना? In case of conditional waiver, when the outflows cannot be ascertained, okay, not an issue. Do not calculate the present value of lease liability. Do not remeasure it. Just transfer the waiver amount to P&L every month. That's it. Interest will be calculated regularly. और क्या चाहिए? तो ये हो गया आपका ऐसा। So this was how to apply practical expedient in different cases. Now what about disclosure? If entity has applied practical expedient there, then application of practical expedient as per para 46A should be disclosed. आपको बताना पड़ेगा कि हमने practical expedient क्या किया है। आपको बताना पड़ेगा कि आपका कितना difference P&L में गया। आपको बताना पड़ेगा कि आपको conditional waiver है कि unconditional waiver है, ठीक है ना। ये सब
अमाउंट रिकॉग्नाइज इन पीएनएल टू रिफ्लेक्ट चेंज इन द रीज रेंट शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली, दैट्स इट। बस आपको ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अप्लाई करना है। मुझे लगता है आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। केस नंबर सी क्या है? बहुत आसान है। वेवर ऑफ लीज रेंट ऑन द मंथली बेसिस फ्रॉम अप्रैल 20 टू द डेट व्हेन द लॉकडाउन विल बी लिफ्टेड। अज्यूम लॉकडाउन लिफ्टेड ऑन 1 अक्टूबर, इसका मतलब हमें वेवर 30th सितंबर तक मिला। बट अप्रैल को हम नहीं जानते थे कि 30th सितंबर तक मिलेगा। अप्रैल को तो हमें बस ये पता था कि अप्रैल का वेवर मिल रहा है। फिर हम मई में आए तो मई में हम ये नहीं जानते थे कि हमें जून जुलाई का मिलेगा कि नहीं, हम तो बस मई में खड़े। तो इसीलिए आप देखेंगे जो लास्ट वाला केस है केस सी, वो देखो कैसे सॉल्व किया गया है केस सी, ठीक है ना। लाइबिलिटी ऑफ अप्रैल 20 इज वेव्ड बट द आउटकम ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट विल बी असेस्ड मंथली एंड कैन नॉट बी कंसिडर टू अक्रू ऑन 30th अप्रैल। देयरफॉर एडजस्टिंग एंट्रीज नीड टू बी पास्ड मंथली टिल द टाइम रेंट कंसेशन कंटिन्यूज। एडजस्टिंग एंट्री ऑन 30th अप्रैल इज लीज लाइबिलिटी टू पीएनएल। अप्रैल मंथ की लीज लाइबिलिटी को आपने पीएनएल में चार्ज कर दिया। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ओपनिंग बैलेंस 1% इंटरेस्ट, लीज पेमेंट जीरो, बट रेंट माइनस हो जाएगा क्योंकि वो पीएनएल में जाएगा। ये चीज पीएनएल में चली जाएगी। आपका क्लोजिंग बैलेंस निकला ओपनिंग, फिर ये ओपनिंग आया, ऐसे करके आपका बनता रहेगा, ये आपके पीएनएल में चला गया। अगले अक्टूबर से लेकर आपका यही 50,000 जो पीएनएल में डाल रहे थे, अब आप उसको पे करोगे टू बैंक। ये टू बैंक है और ये टू पीएनएल है, ठीक है, दैट्स इट। आपका सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। सो मतलब कुछ भी गड़बड़ वाला काम नहीं है। आई होप आपको ये कोविड 19 रिलेटेड रेंट कंसेशन समझ में आ गया होगा। दिस वॉज पैरा 46 अकाउंटिंग इंपैक्ट ऑफ कोविड 19। इंस्टीट्यूट ने इसके नए क्वेश्चंस कौन से ऐड किए हैं? लेट्स टेक दैट क्वेश्चंस। इंस्टीट्यूट ने इसके कौन से नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं? लेट्स टेक दैट क्वेश्चंस। न्यूली एडेड क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन ऐड किए सर? इन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 47 से लेकर ऐड किए हैं। 47 48 49 50 51, दे हैव एडेड 5 क्वेश्चंस। एंड बिलीव मी, ये 5 क्वेश्चंस बहुत आसान है, बहुत इजी हैं, बहुत ही इजी हैं। ये 5 क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। सही है, चलिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। पहले जो क्वेश्चंस ऐड किए हैं इंस्टीट्यूट ने उनका बातें करते हैं, जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 क्यों बोला है और ये इलस्ट्रेशन नंबर 47 क्या लिखा हुआ है? आईसीएआई के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 47 है ये, और 4 क्वेश्चन क्यों बोला है? क्योंकि उसके ऊपर 3 क्वेश्चन और ऐड किए हैं किसी और चीज पर, लेसर के ऊपर, जो अभी तक हमने टॉपिक लिया भी नहीं है, ठीक है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन एडेड है, इसके आगे के और है। इलस्ट्रेशन नंबर 47 आपको आईसीआई मॉड्यूल में मिल जाएगा। मैं ये हेडिंग वेडिंग नहीं पढ़ रहा हूं, छोड़ो। रिटेलर क्यू लीजेस अ स्टोर इन अ लार्ज रिटेल मॉल। लार्ज रिटेल मॉल बेसिकली जो भी आप मॉल ले लो, आपकी सिटी में अगर कोई मॉल है, अगर आपने सुना हो कोई भी मॉल आपके आपके शहर में होगा, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, वहां पर हमने एक स्पेस, दुकान, शॉप हमने रीज पर लिया। द रेंट पेबल इज 1 लाख पर मंथ एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक। क्यू अग्रीज विद द लेसर। अब देखो पेंडेमिक आया तो लॉकडाउन लग गया, तो मॉल्स भी कहां खुले? टेक्निकली अप्रैल मंथ में मॉल्स नहीं, मॉल्स बंद थे। मार्च 23 से लेकर अप्रैल मंथ, मई, इवन जून तक भी मॉल्स बंद थे। जितना मुझे याद है थोड़ा बहुत, जुलाई से थोड़े से मॉल्स खुलना, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खुलना, इवन मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि एम्प्लॉयज आ सकते हैं, कस्टमर नहीं आ सकते, ऐसा कुछ करके हल्का फुल्का खुलना शुरू हुआ था। किसी किसी सिटी में तो वो भी नहीं स्टार्ट हुआ था। तो जुलाई भी मान लो आपका लॉकडाउन रहा, तो टेक्निकली आपका अप्रैल मई जून जुलाई अच्छा खासा 4-5 महीने बंद रहा। तो क्यू अग्रीज विद द लेसर टू डिफर द रेंट ओरिजिनली ड्यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून।
अप्रैल मई जून 3 महीने का जो रेंट होता है क्यू का लेसर के साथ एग्रीमेंट हुआ। लेसर ने उसको क्या कंसेशन दिया? लेसर ने उसको डेफरमेंट का कंसेशन दिया। डेफर, डेफर मतलब पोस्टपोन, डेफर मतलब पोस्टपोन, मतलब लेसी को एक्चुअली कंसेशन नहीं मिल रहा है, लेसर उससे रेंट चार्ज नहीं करेगा 3 महीने का, वो बाद में रिकवर करेगा, ये भी कंसेशन बोल सकते हैं, एटलीस्ट बढ़ तो नहीं रहा है ना। अब ये पॉइंट थोड़ा सा देखिए, एज अ पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट, पार्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट मतलब मेन लीज एग्रीमेंट, द रेंट फॉर द पीरियड जनवरी 21 टू मार्च 21 विल बी इंक्रीज्ड बाय 1,10,000 पर मंथ विच कॉम्पनसेट्स द लेसर फॉर डेफर्ड रेंट एज एडजस्टेड फॉर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब यहां पर क्वेश्चन अच्छा है, नो डाउट उन्होंने क्वेश्चन बहुत अच्छा डिस्कस किया है। उन्होंने बोला अप्रैल मई जून में तुम्हें जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख का पेमेंट नहीं करना, जो तुम्हें पेमेंट करना है ना, तुम हमें मत करो, वो पेमेंट तुम अगले साल जनवरी फरवरी मार्च में कर दो, बट 10,000 ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? मैं तुमसे कुछ और नहीं, सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में रखते हुए उसकी रिकवरी कर रहा हूं। बेसिकली अप्रैल का पैसा तुम मुझे जनवरी में दे रहे हो, तो तुम्हें 10,000 ज्यादा देना पड़ेगा कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अप्रैल के बाद मई, मई का पैसा तुम फरवरी में दे रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जून का पैसा तुम मार्च में दे रहे हो टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बेसिकली मैं तुम्हें एक क्रेडिट पीरियड दे रहा हूं एक्स्ट्रा, इसीलिए मैं तुमसे 10,000 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा। अब यहां ये क्वेश्चन रेज होता है कि सर वो जो एक्स्ट्रा ले रहा है सर, उससे वो ये कंडीशन तो फुलफिल ब्रेक तो नहीं हो गई? कौन सी कंडीशन? बी वाली कंडीशन, रिवाइज लीज पेमेंट आफ्टर कंसेशन शुड बी इक्वल टू और लेस देन ओरिजिनल लीज पेमेंट बिफोर सच चेंजेस मेड। मैं बोलूंगा ये कंडीशन ब्रेक नहीं हुई, क्योंकि मैंने आपको ऐसा एग्जाम्पल पहले भी दिया था, मैंने बोला था कि अगर वो अननेसेसरी हायर चार्ज कर रहा है तो नहीं माना जाएगा कि आपको कोई कंसेशन मिल रहा है। यहां पर वो सिर्फ अपने आप को कॉम्पनसेट करने के लिए आपसे एडिशनल चार्ज कर रहा है कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करें और प्रेजेंट वैल्यू निकालें, तो इसका मतलब आपको, आपसे रेंट ज्यादा नहीं लिया जा रहा है। सो हम बोलेंगे कि कंडीशंस फुलफिल हो रही है, वो जो स्पेशली बी वाली कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, जो आपको कंसेशन दिया जा रहा है वो जून 2021 तक के पेमेंट तक का दिया जा रहा है, ये भी दिख रहा है। हम मानेंगे बाकी अदर कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी, तो डेफिनेटली यहां पर जो क्यू है वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अकाउंटिंग फॉलो कर सकता है। वेदर द रेंट डिफरल इज एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट इफ अदर कंडीशंस आर मेट, ये क्या कह रहा है? द रेंट डिफरल सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया टू अप्लाई द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट बिकॉज इट इज अ रेंट कंसेशन अकरिंग एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ पैंडेमिक। Increases in the rental during January to March compensates for the time value of money. It just compensate. हाँ, अगर compensate कर रहा है time value of money के लिए, तो माना जाएगा कि आपसे extra rental charge नहीं किया गया। Rent deferral reduces the lease payment originally due on or before 30th June. ये भी सही है, क्योंकि April, May, June 2020 के rent deferral हो रहे हैं। There is no substantive change to other terms and conditions of the lesser of the lease. तो माना जाएगा कि क्यू जो है वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अकाउंटिंग फॉलो कर सकता है। क्यू कंसीडर्स अप्लाइंग प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट, लिखा हुआ है कंसीडर्स, मतलब क्यू चाहे तो अप्लाई कर सकता है, क्योंकि लेसी को ऑप्शन दिया जाता है कि तुम चाहो तो लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग में जाओ या प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अकाउंटिंग में जाओ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लेसी पी ऑपरेट्स अ चेन ऑफ रेस्टोरेंट एंड लीजेस सेवरल आउटलेट्स। उसके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और कुछ कुछ रेस्टोरेंट तो उसने ऐसे कुछ स्पेस पे लिए हैं जो उसने लीज पर लिए हैं। अब COVID-19 में तो रेस्टोरेंट बिजनेस भी अफेक्ट हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ COVID-19 पेंडेमिक पी अग्रीज अ रेंट डिफरल विद द लेसर। पी का एक रेस्टोरेंट चेन है, रेस्टोरेंट चेन मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज। क्या मैकडोनल्ड्स डोमिनोज जिस प्रॉपर्टी पे काम करते हैं वो प्रॉपर्टी उनकी खुद की ओन्ड होती है? नो यार, वो रेंट पे होती है, लीज पे होती है। तो डोमिनोज को, डोमिनोज जो है वो लेसी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डोमिनोज लेसी है। उसने लेसर के साथ COVID-19 पेंडेमिक के कारण क्या एग्रीमेंट किया? अंडर द टर्म्स ऑफ रेंट डेफरल
रेंट ओरिजिनली ड्यू इन द पीरियड ऑफ जुलाई टू डिसंबर विल बी एडेड टू द रेंट ड्यू इन पीरियड ऑफ जुलाई टू डिसंबर 21। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, फिर से आपको कौन से रेंट का डेफरल मिल रहा है, जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, छह महीनों का रेंट मैं अभी पे नहीं करूंगा, कब करूंगा, अगले साल जुलाई से दिसंबर में डबल पे कर दूंगा। क्या ये माना जाएगा कि पैरा 46 बी की चार कंडीशन फुलफिल हो रही है? कंडीशन नंबर वन, क्या ये जो मुझे कंसेशन मिल रहा है वो बिकॉज ऑफ कोविड 19 मिल रहा है? यस। कंडीशन नंबर टू, क्या जो कंसेशन मिल रहा है या रिवाइज लीज पेमेंट्स है आफ्टर कंसेशन आर इक्वल टू और लेस देन ओरिजिनल लीज पेमेंट? यस, दे आर इक्वल टू ओरिजिनल लीज पेमेंट, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशन नंबर थ्री, वेदर द कंसेशन गिवन इज फॉर दोज पेमेंट विच आर ड्यू ऑन और बिफोर 30th June 2021। यस। कौन से डिफरल किस पे मिल रहा है? डिफरल मिल रहा है आपको जुलाई 2020 से दिसंबर 2020 के पेमेंट्स पर, जो ड्यू हो रहे हैं जुलाई से लेकर दिसंबर 2020 पे। हाँ, उसकी रिकवरी कभी भी हो ना, भले रिकवरी उसकी जून 2021 के बाद हो, यहां पर फोकस रिकवरी पे नहीं करना है, यहां पर फोकस करना है कंसेशन पे। आपको कंसेशन कौन से पेमेंट्स पे मिला है? आपको कंसेशन मिला है उन पेमेंट्स पे जो 30th जून 2021 से पहले ड्यू हुए हैं, मतलब जुलाई 20 से दिसंबर 20। हाँ, उनकी रिकवरी अगर बाद में हो रही है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो ये चीज डिस्कस भी की थी, इवन इस थर्ड पॉइंट में भी लिखा था, रेंट कंसेशन वुड मीट द कंडीशन इफ द रेंट रिड्यूस्ड, इफ इट रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ लीज पेमेंट ऑन और बिफोर 30th जून एंड इंक्रीज लीज पेमेंट दैट एक्सटेंड बियॉन्ड 30th जून। तो हम बोलेंगे कि यस, यहां पर लेसी जो है बाकी अदर कंडीशन भी फुलफिल कर रहा होगा तो वो कंसीडर कर सकता है प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अकाउंटिंग। द रेंट डिफरल सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। मेन इसमें क्या हो रहा है, रेंट डिफरल रिड्यूस द लीज पेमेंट ओरिजिनली ड्यू और ऑनर बिफोर 30th जून, मेन कंडीशन ये है। देयरफॉर पी कंक्लूड्स दैट रेंट डिफरल मीट्स द पेमेंट ड्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेसी टी लीजेस ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम अ लेसर एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड 19 पेंडेमिक। इन सितंबर 20 टी अग्रीज अ रेंट कंसेशन विद द लेसर अंडर विच मंथली रेंटल विल बी रिड्यूस्ड बाय 50% पर मंथ फॉर द 12 मंथ्स कमेंसिंग 1 अक्टूबर 2020। ओ भाई, 1 अक्टूबर 2020 से लेकर जो भी पेमेंट्स ड्यू होंगे उस पे मुझे 50% कंसेशन मिल रहा है 12 महीने के पेमेंट्स पर। अक्टूबर 20 से लेकर सितंबर 21 तक। ओ माय गॉड, ये तो 30th जून 2021 के बाद के पेमेंट्स पे भी कंसेशन मिल रहा है। तो यहां पर अगर मुझे कंसेशन 30th जून 2021 के बाद के पेमेंट्स पे भी मिल रहा है तो ओवरऑल जो कंसेशन है वो कोविड 19 पैरा 46 बी के प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के कंडीशन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। द रेंट डिफरल डज नॉट सेटिस्फाई द क्राइटेरिया टू अप्लाई प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। क्यों? अगर आपको यहां 12 महीने का नहीं 6 महीने का मिलता, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने का मिलता, अक्टूबर 20 से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, अरे 6 महीने का भी छोड़ो 9 महीने का मिलता, अप्रैल मई जून, अगर आपको 30th जून 2021 तक के पेमेंट्स पर कंसेशन मिलता तो भी आप प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट के लिए एलिजिबल हो जाते। आपको यहां 12 महीने के लिए कंसेशन मिल रहा है जो कि 30th जून 2021 के बाद भी कुछ पेमेंट्स ड्यू हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो कंसेशन मिल रहा है दैट वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। आप ये मत सोचना कि 9 महीने के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा, बाकी 3 महीने के लिए मैं लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग करूंगा, ऐसे नहीं चलता। करना है तो पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट या तो पूरा लीज मॉडिफिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अ लेसी इज ग्रांटेड अ रेंट कंसेशन बाय द लेसर वेयर बाय द लीज पेमेंट फॉर द पीरियड अप्रैल 20 टू जून 20 आर डेफर्ड। डेफर मतलब बाद में रिकवर करेगा, अप्रैल मई जून का रेंट मुझसे बाद में रिकवर किया जाएगा। 3 months आर एडेड टू द एंड ऑफ लीज टर्म एट द सेम मंथली रेंट।
ओ माय गॉड, ये बोल रहा है कि मैं एक काम करता हूं, ऐसा ऐसा कुछ बोल रहा है कि मान लीजिए आपका जो एग्रीमेंट था, मान लीजिए आपका एग्रीमेंट 24 मंथ्स का था, अब यहां कहीं अप्रैल से लेकर जून मैंने आपको कंसेशन दिया। कंसेशन बेसिकली ऐसा कि आप यहां 3 महीने का पेमेंट मत दो और एक काम करो, एडिशनल 3 महीने की लीज टर्म बढ़ा दो। लीज टर्म इज इंक्रीज्ड। जो ये मैंने आपको कंसेशन दिया है, इसकी रिकवरी यहां पर होगी, ये भी 3 मंथ्स, इसकी रिकवरी यहां होगी। बताइए क्या ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अकाउंटिंग में आएगा कि नहीं? मैं बोलूंगा पहला, क्या ये कंसेशन बिकॉज ऑफ कोविड-19 हुआ? यस। दूसरा, वेदर रिवाइज लीज टर्म आफ्टर कंसेशन आर इक्वल टू और लेस देन ओरिजिनल, तो मैं बोलूंगा आर इक्वल टू, बिकॉज डिफरल हो रहा है, इसकी रिकवरी बाद में यहां हो रही है, तो लेस तो है नहीं पर हाँ इक्वल टू है, बढ़ तो नहीं रहा है ना, हाँ ठीक है। तीसरा, क्या कंसेशन उस पेमेंट के लिए दिया गया जो पेमेंट 30 जून 2021 से पहले ड्यू हो रहा है? तो मैं बोलूंगा यस, अप्रैल 20 से जून 20, मतलब 30 जून 2020 के पेमेंट से। ओके। चौथी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, नो सब्सटेंशियल चेंज इन अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। मैंने आपको बोला था बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे कि लीज टर्म में बाकी बदलाव नहीं होना चाहिए, मतलब आप अगर लीज टर्म भी बदल रहे हो, आप राइट टू यूज असेट बदल रहे हो, तो ये तो माना जाएगा कि आपने अदर कंडीशंस भी बदल दी। नो सब्सटेंशियल चेंज इन अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहां पर बस ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा पीरियड बढ़ा दिया गया, क्या इसको माना जाएगा कि देयर इज अ चेंज इन अदर टर्म्स एंड कंडीशंस? तो मैं बोलूंगा यस, देयर इज अ चेंज इन अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। ये जो है इसको मैं बोलूंगा दिस इज चेंज इन अदर टर्म्स एंड कंडीशंस। क्यों? सिंस इट इज अ चेंज इन लीज टर्म ऑल्सो। मतलब भाई रेंट कंसेशन तो माना, पर रेंट कंसेशन के अलावा आपको लीज टर्म में बदलाव हो रहा है, आपका लीज टर्म बढ़ा दिया गया। अब सवाल ये उठता है क्या ये सब्सटेंशियल चेंज है या फिर ये सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, या फिर ये सब्सटेंशियल चेंज नहीं है? अगर ये सब्सटेंशियल चेंज है तो मैं बोलूंगा लेसी कैन नॉट कंसीडर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अकाउंटिंग। और अगर ये सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, मैं बोलूंगा 3 महीने को क्या सब्सटेंशियल मान रहे हो, दो चार 12-15 महीने मान लेते, 12-15 महीने अगर बढ़ा देते तो अलग बात थी। तो मैं बोलूंगा लेसी कैन कंसीडर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अकाउंटिंग। सर उन्होंने क्या आंसर दिया है? उन्होंने आंसर दिया है ये अजम्पशन लेते हुए कि भाई कोई सब्सटेंशियल चेंज नहीं है, 3 महीने का जो कंसेशन दिया वही तो 3 महीने बढ़ाए हैं ना, तो ये सब्सटेंशियल बदलाव नहीं है। 3 महीने के बदलाए 4 महीने एक्सटेंड कर देते, 6 महीने एक्सटेंड कर देते तो वो सब्सटेंशियल होता। मैंने इसीलिए अब इस आंसर में एक नोट डाला है, आपको ये ऑथर नोट दिख रहा होगा, द बिलो सजेस्टेड आंसर इज सब्जेक्ट इन नेचर, सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्ट नहीं होगा सब्जेक्टिव, देयर मे कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट ओपिनियन। तो मैंने इसीलिए आपको बोला कि आपका आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, आप आंसर में दोनों चीजें लिख के आओगे कि क्या सब्सटेंटिव सब्सटेंशियल चेंज है यस, तो आप इसको प्रैक्टिकल एक्सपीडिएट कंसीडर नहीं कर सकते। अगर सब्सटेंशियल चेंज नहीं है
तो कोई बात नहीं, आप इसको प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अकाउंटिंग कंसीडर कर सकते हो। ये क्या बोल रहा है, द लेसी कंसीडर्स अप्लाइंग द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट इन कंसीडरिंग वेदर दिस रेंट कंसेशन इज एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट। लेसी नोट्स द फॉलोइंग, फर्स्टली द रिवाइज कंसिडरेशन इन द लीज इज सब्सटेंशियली द सेम एज ओरिजिनली, ठीक है कोई बात नहीं, पहली कंडीशन फुलफिल। सेकंडली द रेंट कंसेशन ओनली रिड्यूस द लीज पेमेंट ओरिजिनली ड्यू इन 2020, ये भी बढ़िया। थर्डली देयर इज अ चेंज इन लीज टर्म एंड एक्सटेंशन बाय 3 months। देयर इज नो एक्सप्लिसिट गाइडेंस ऑन वॉट इज कंसिडर सब्सटेंटिव, ये बात सही है। जजमेंट विल नीड टू बी अप्लाइड कंसिडरिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव फैक्टर्स। द लेसी असेसेस दैट, ये हाईलाइट, द लेसी असेसेस दैट 3 months एक्सटेंशन एट द एंड ऑफ लीज टर्म विद सब्सटेंशियली द सेम लीज पेमेंट वुड नॉट कंस्टिट्यूट अ सब्सटेंटिव चेंज। मैं मानूंगा कि बात सही बोल रहा है पर डिफरेंट ओपिनियन मैटर करता है। Hence, condition in paragraph 46B of 116 is met since the rent concession is a direct consequence of COVID-19 and all three conditions paragraph 46B of 116 are met, the lessee concludes that rent concession is eligible for application of practical expedient. मैं बोलूंगा कि इसमें alternate opinion बन सकता है, institute ने भी अपने answer में अलग ही बोला है। There is no explicit guidance on what is considered substantive, ठीक है ना, उन्होंने बोला है, ठीक है, but हम लिख के आएंगे कि अगर ये सब्सटेंटिव चेंज है तो ये फिर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 51 दिया गया है इंस्टीट्यूट की बुक में। मजे वाली बात यह है कि आपको इंस्टीट्यूट की बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैं कुछ दिनों में जो मैंने अपडेशंस किए हुए हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं और मेरी टीम ने मिलकर जो हमने अपडेशंस पर काम किया हुआ है, हमने थोड़ी अपडेशंस किए हैं, अपडेशन तो इंस्टीट्यूट ने किए हैं, पर इंस्टीट्यूशन ने अपडेशन तो कर दिए, उन्होंने नए मॉड्यूल डाल दिए, साला मेहनत किसकी बढ़ गई, बच्चों की। अब बच्चों को या तो यह है कि एक नया नया मॉड्यूल डाउनलोड करो या तो ऑर्डर करो और एक एक पेज पर जाके देखो। हमने इतना ब्यूटीफुली तरीके से उसको अलग से नोट्स में कवर किया है कि आपको नए मॉड्यूल्स में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप बेसिकली जितने भी एफआर के अपडेशंस हैं उनको हमारे नोट्स जो हम एडिशनल नोट्स बना रहे हैं उसी से समझ जाओगे कि उन्होंने अपडेशन किए भी हैं तो क्या किए हैं और कौन से रेलेवेंट हैं और कौन से नहीं, ठीक है। लेसी जेड, जेड को कोई लोग जी बोलते हैं, लेसी जी entered into a lease contract with lesser L to lease 1500 square meter of retail space for 5 years. The lease commenced on 1st April 18 and the rental payments are 1 lakh payable quarterly in advance. Quarterly in advance मतलब lease start हुआ है 1st April 18 से, मुझे 1 लाख हर quarter payment करना है, और advance मतलब quarter start होगा और मुझे payment करना है। पहला payment 1st April अप्रैल मई जून के लिए, दूसरा पेमेंट 1 जुलाई अगस्त सितंबर के लिए, तीसरा पेमेंट 1 अक्टूबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, 1 जनवरी वाला पेमेंट जनवरी फरवरी मार्च के लिए। तो ऐसे करके वो क्वार्टरली पेमेंट्स कर रहा है, ठीक है। 1st April 2018 से उसका स्टार्ट हुआ। जीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट कमेंसमेंट ऑफ द लीज वॉज 5%, अज्यूमिंग दैट द रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड। There are no initial direct cost, lease incentives, dismantling cost, ठीक है। Z's business is severely impacted by COVID-19 pandemic. L and Z negotiate a rent concession. ये important है। On 1st June 2020, L agrees to provide Z with an unconditional rent concession. Unconditional. That allows Z to forego payment of its rent due on 1st July. That is, L forgives Z the rent payment of 1 lakh due on 1st July. वो सिर्फ एक ही quarterly payment का उसको allow कर रहा है. That means the payment which is going to be due on 1st July is not going to be paid by Z now. आई बात समझ में कि नहीं? Is not going to be paid by Z now. इस 1 लाख का क्या होगा? बेटा जी ऐसा है कि डिपेंड करता है, मैं आपको सिंपल सी बात बोलूंगा यहां पर, डिपेंड करता है कि जी और एल के बीच में अग्रीमेंट कब हुआ है। अगर अग्रीमेंट 2-4 दिन पहले ही हुआ है, मतलब
1 जुलाई आने वाली है, मैंने 10-15 दिन पहले या 5-10 दिन पहले ही फोन करके एल को बोला कि बड़ी कठिनाई है साहब, और ना मैं तो आपको रेंट नहीं दे पाऊंगा, बताइए क्या करना है। तो एल ने बोला कोई बात नहीं साहब, जो अगला पेमेंट आप 1 लाख रुपए करने वाले हो फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर, जो आप एडवांस में कर देते हो 1 लाख का, वो मत करना, बट उसके अगले वाला पेमेंट जो आप करोगे वो करते रहना। तो मैं ही बोलूंगा कि यार मेरे बुक्स में जो लीज लायबिलिटी दिख रही है 30 जून के आसपास, बाय बैलेंस 30 जून के आसपास जो लायबिलिटी दिख रही है, और मैंने 30 जून के आसपास ही ये एग्रीमेंट किया, तो मैं बोलूंगा ठीक है, जो पेमेंट करना था 1 जुलाई को वो पेमेंट ना करके वो पीएनएल में डाल दो फर्स्ट 1 लाख रुपीज का, और यहां पर वॉट एवर लाइब्रेरी जो दिख रही होगी, कुछ भी दिख रही होगी, मान लो 7 लाख समथिंग, इंटरेस्ट तो इसी पे निकलेगा है ना, ओपनिंग बैलेंस माइनस 1 लाख जो पेमेंट नहीं किया पीएनएल में चला गया, रिमेनिंग पर इंटरेस्ट निकलेगा एट द रेट ऑफ 5%, वॉट एवर 5% ठीक है ना, ऑन 6 लाख। सर 6 लाख पे क्यों लिख रहा, क्योंकि 1 लाख बिगिनिंग में दे रहे हैं, जब भी अपन एडवांस पेमेंट करते हो तो वो माइनस करने के बाद इंटरेस्ट निकलता है, तो मैं पूरा का पूरा पीएनएल में डाल दूंगा। दूसरा केस ये होता है कि हो सकता है अप्रैल के टाइम पे ही अग्रीमेंट हो गया हो, 1 अप्रैल के टाइम पे ही अग्रीमेंट हो गया हो, 1 अप्रैल के टाइम पे ही अग्रीमेंट हो गया हो कि मैं अगला पेमेंट तेरे को नहीं दूंगा। सही, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? पर इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अप्रैल के टाइम पे तो अप्रैल का पेमेंट तो मैं कर रहा हूं ना, तो नेक्स्ट मंथ के मंथ नहीं, नेक्स्ट पेमेंट से जस्ट पहले एग्रीमेंट किया होगा ये मान रहे हैं। मेरा बोलने का इंटेंशन, ये समझाने का रीजन इसलिए है क्योंकि अगर मैंने एग्रीमेंट जो रेंट जो मुझे रेंट कंसेशन मिला है अगर 2-4 महीने पहले ही मिल गया तो मैं रिमेनिंग लीज रेंट का प्रेजेंट वैल्यू फिर से निकालूंगा, बट जब मुझे रेंट कंसेशन मिला ही 2 दिन पहले है और वो सिर्फ सिंगल रेंट कंसेशन मिला है, उसके अगले वाला तो मुझे वापस पे करना पड़ेगा, तो मैं पूरा का पूरा उसको जीरो कर दूंगा। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट वी नीड टू डू इज हमें यहां यह मानना है कि अनकंडीशनल वेवर है पर सिंगल पेमेंट है, वो पूरा का पूरा पेंटल में चला जाएगा। What will be the accounting treatment in the books of lessee for rent concession, assuming that it is eligible for practical expedient? Practical expedient कहता है कि lease liability को 1 लाख रुपए से गिरा दो, P&L में ट्रांसफर कर दो, ROU को आप impairment के लिए टेस्टिंग कर सकते हो। Z determines that rent concession is eligible for practical expedient. Applying the practical expedient, Z should account for the forgiveness of rent as a negative variable lease payment. Negative मतलब lease payment से minus, आपके lease liability से minus कर दोगे. Rent concession is unconditional, so the event that triggers the variable lease payment is the agreement between Z and Z for the rent concession on 1st June. Therefore, Z accounts for the rent concession. 1st June क्यों बोल रहा है भाई? अच्छा, 1st June लिखा तो है, डेट तो लिखी है, 1 महीने पहले ही कंसेशन मिला है, तो 1 महीने पहले मतलब 1 जून को ही मिला है, हम क्या बोलेंगे कि रिमेनिंग का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, हम तो बोलेंगे 1 जून की लायबिलिटी कम कर दे। देयरफॉर जेड अकाउंट्स फॉर द रेंट कंसेशन एज अ नेगेटिव वेरिएबल लीज पेमेंट ऑन 1 जून, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो अदर चेंजेस टू द लीज, जेड कंटिन्यूज द यूज ऑफ रिटेल स्पेस। हाँ, अगर मान लो एल उसको बोलता कि आने वाले 3 क्वार्टर्स का पेमेंट मत देना, तो यहां पर जी होता तो वो रिमेनिंग लीज पेमेंट में 0 0 0 और उसके बाद के आगे के जो भी है 1 लाख 1 लाख 1 लाख के बेसिस पे रिवाइज्ड प्रेजेंट वैल्यू निकालता। The lease accounting entries will be as follows. Basically, entry क्या होगी? Entry होगी lease liability account debit to P&L account 1 लाख रुपए, ठीक है? Assuming that there are no other changes, said continues to use the retail space and the right of use asset is not impaired. हम बोलेंगे subject to impairment. ये बोल रहा है इसने impair नहीं की. Recognize the rent concession as a variable lease payment in profit or loss. Continue to accrue the interest on the lease liability at the unchanged incremental borrowing rate of 5%. That
दैट इज रिकॉर्डेड डेबिट टू इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड करेस्पॉन्डिंग क्रेडिट टू द लीज लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं। After accounting for impact of rent concession, these lease liability represent the present value of all future payments owing to L discounted at the unchanged incremental borrowing rate. Z has effectively derecognized the portion of the lease liability. In addition, Z continues to depreciate the carrying amount of the right of use, which is unchanged as a result of rent concession. ठीक है, clear? आया समझ में कि नहीं? चलिए, यहां तक मुझे लगता है सब डन। ये क्वेश्चंस एडिशनल क्वेश्चंस थे एडेड। क्या इसमें कोई भी उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऐड किया? नहीं किया, जबकि हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आपके साथ पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। सो बिलीव करिए, डोंट वरी, आपको जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल अपडेटेड पढ़ाया जा रहा है, बल्कि एक कदम आगे पढ़ाया जा रहा है। मैं एक कदम आगे इसलिए बोल रहा हूं, आपको याद होगा कि हमने इसी इंडेस 116 में इनकम टैक्स डेफर्ड टैक्सेस के भी डिस्कशन किए थे। यू वॉन्ट बिलीव, डेफर्ड टैक्सेस के डिस्कशंस इंडेस 116 के इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, जबकि हमने उस पर आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल करवाया। ठीक है, ठीक है सर, बचा है तो क्या बचा है? बचा है तो इस मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, लीज मॉडिफिकेशन से रिलेटेड हमारे पास तीन क्वेश्चन बचे हैं, और वो तीन क्वेश्चन आपके मॉडिफिकेशन शीट में आपको मिलेंगे। वो तीन क्वेश्चन आपको मॉडिफिकेशन शीट में मिलेंगे, तीन क्वेश्चन आपको मॉडिफिकेशन शीट में मिलेंगे। सर कौन से? ये रहे न्यूली एडेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन जो कि आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 39 है, इलस्ट्रेशन नंबर 40 है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में, और 41 है इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। ये तीन क्वेश्चन एडिशनली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्या है इस बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वन बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है। लेसर एल लीजेस रिटेल स्पेस टू लेसी जेड, तो जो एल है वो लेसर है। क्लासिफाइज द लीज एज एन ऑपरेटिंग, उसने ऑपरेटिंग लीज क्लासिफाई किया। द लीज इंक्लूड्स फिक्स्ड लीज पेमेंट्स ऑफ 10,000 पर मंथ, ठीक है, एल को हर महीने 10,000 मिलेगा। ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, एल एंड जेड अग्रीज ऑन अ रेंट कंसेशन दैट अलाउ जेड टू पे नो रेंट इन द पीरियड फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेंबर। याद करिए ये ऑपरेटिंग लीज है, और ऑपरेटिंग लीज में मॉडिफिकेशन किया गया है, और मॉडिफिकेशन अगर किया गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 तो जेड को पैरा 46 का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि वो जो अमेंडमेंट आया है, वो जो पैरा 46 है, वो जेड के लिए मतलब लेसी के लिए आया है, पर लेसर के लिए कोई पैरा 46 अप्लीकेबल नहीं है। मतलब लेसर के लिए जो लीज मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग है वही लगेगी। यहां पर लेसर ने जेड को बोला कि तू मुझे जुलाई अगस्त सेप्टेंबर का 10,000 का पेमेंट मत दे, बट टू पे रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ इन द पीरियड ऑफ जनवरी फरवरी मार्च। तू एक काम कर, जुलाई अगस्त सितंबर का 10,000 मत देना, अक्टूबर से वापस से 10, नवंबर 10, दिसंबर 10 दे देना, जनवरी में 20, फरवरी में 20, मार्च में 20 देना। मतलब मैंने उसको सीधा सीधा डेफर कर दिया, डेफरमेंट कर दिया कुल मिला के। ये कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज। अच्छा, हम लीज मॉडिफिकेशन किसके बुक्स में पढ़ रहे हैं? लेसर के बुक्स में। लेसी का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। How this will be accounted by lesser? Lesser पूछ रहा है। अब जब lesser की केस में modification होता है तो हमें पहले यह जज करना पड़ता है कि finance lease था कि operating lease था। हम क्या बोलेंगे? सर operating lease था। Operating lease में जितने भी lease modification होती है सबका common answer हो क्या होता है कि आपके जो भी modification हुआ है modification date से आप उसको new lease मान लो। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि अब हम इसको ऑल टूगेदर न्यू लीज मान लेंगे। हम तो मान लेंगे कि जनवरी का पेमेंट ही 20,000 है, फरवरी का है ही 20, मार्च का है ही 20, और ये लीज शुरू होती है जुलाई से लेकर जहां पर जुलाई अगस्त सितंबर में, जहां पर बेसिकली जुलाई में हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगस्त में कुछ नहीं मिलेगा, सितंबर में कुछ नहीं मिलेगा, अक्टूबर में 10 मिलेगा, नवंबर में 10 मिलेगा, दिसंबर में 10 मिलेगा, जनवरी में वापस 20 मिलेगा, फरवरी में 20 मिलेगा,
और मार्च में 20 मिलेगा ऐसे करके, अप्रैल में 10 वापस से हो जाएगा, मई में 10 हो जाएगा, जून में 10 हो जाएगा, मान लो इतने ही महीने सपोज, तो कितने हो गए महीने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितना हो गया पेमेंट, 10 30 30 और 90, 1 20, 1 20 और 30, 1 50, नहीं, 60 90, 120, टोटल हो गया 120 डिवाइडेड बाय 12 मतलब 10। इसका मतलब मैं कंटिन्यूअसली, भले मुझे जुलाई में कुछ नहीं मिल रहा है, मैं तो कंटिन्यूअसली 10,000 का बुक करूंगा, अगस्त में कुछ नहीं मिल रहा है मैं 10,000 का बुक करूंगा, सितंबर में कुछ नहीं मिल रहा है मैं 10,000 का बुक करूंगा, यहां पर भी मैं 10,000 का बुक करूंगा, इवन जनवरी में मैं 10,000 बुक करूंगा, 10,000 बुक करूंगा, ये मैं इनकम मान के चलूंगा एसएलएन बेसिस पर। मैं मान रहा हूं कि यहां पर कोई क्लासिफिकेशन में बदलाव नहीं हुआ है। फिर से बोल दूं, लेसर के केस में अगर ऑपरेटिंग लीज में लीज मॉडिफिकेशन हुआ है, तो जिस दिन लीज मॉडिफिकेशन हुआ है ऑल टुगेदर एक न्यू लीज मान लो। अब जब आप न्यू लीज मानोगे तो आप बोलोगे ठीक है, जुलाई का एग्रीड हुआ है कि मुझे जीरो मिलेगा, अगस्त का जीरो, सितंबर का जीरो, उसके बाद मिलता जाएगा, पर जनवरी फरवरी मार्च में मुझे 2020 मिलेगा। अब मुझे रिकॉग्निशन कैसे करना होता है ऑपरेटिंग लीज में, एसएलएम बेसिस पे, तो जब मैं एसएलएम कर रहा हूं तो आई रहा है 10 10 10, तो जुलाई से मैं 10 10 10 10 बुक करता जाऊंगा। सिंपली आई बात समझ में, एंड डिटरमाइंस दैट द रिडक्शन इन लीज पेमेंट इन जुलाई टू सितंबर एंड द प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन जनवरी टू मार्च डज नॉट रिजल्ट इन एन ओवरऑल चेंज इन द कंसिडरेशन फॉर द लीज, फॉर द लीज एल डज नॉट अकाउंट फॉर द चेंज एज अ लीज मॉडिफिकेशन, एल कंटिन्यूज टू रिकॉग्नाइज ऑपरेटिंग लीज इनकम ऑन अ स्ट्रेट लाइन बेसिस व्हिच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पैटर्न इन व्हिच जेड्स बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ अंडरलाइंग एसेट इज डिमिनिश्ड। ये कह रहा है कि एल वैसे ही बुक करेगा जैसे कर रहा है, क्योंकि बेसिकली एल को पेमेंट बाद में मिल रहा है, दैट्स इट। हम तो बोलेंगे अगर ये लीज मॉडिफिकेशन है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऑल टुगेदर इसको न्यू लीज मानो और 10,000 बुक करो, मतलब मेरा मेरा आंसर और बुक के आंसर में अल्टीमेट कंक्लूजन में कोई फर्क नहीं है, बट मैं अगर यहां पर हूं, मैं अगर आंसर लिखूं तो मैं ये बोलूं कि लीज मॉडिफिकेशन अगर इसको मानेंगे भी तो भी आप राइट फ्रॉम मॉडिफिकेशन इसको ऑपरेटिंग ही मानते हुए, न्यू लीज मानते हुए जुलाई से ही 10 10,000 बुक करोगे, दैट्स इट। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। कम टू द नेक्स्ट, लेसर एम इंटर्स इन टू अ 10 ईयर लीज ऑफ ऑफिस स्पेस विथ लेसी के। लेसी के साथ हमने लीज किया, उसको ऑफिस स्पेस दिया 10 साल के लिए, विच कमेंसेस ऑन 1st of April 2015। द रेंटल पेमेंट्स आर 15,000 पर मंथ, पेबल इन अरियर्स, मतलब हर मंथ के एंड में। एम क्लासिफाइज, मतलब लेसर एम क्लासिफाइज द लीज एज एन ऑपरेटिंग लीज, ऑपरेटिंग लीज हो रही है। एम रीइंबर्स केज रीलोकेशन कॉस्ट ऑफ रुपीज, कॉस्ट ऑफ के रुपीज 6 लाख, विच एम अकाउंट फॉर अ लीज इंसेंटिव। अच्छा, एम ने उसको 6 लाख रुपए रीइंबर्स किया होगा कुछ रीलोकेशन कॉस्ट, मतलब लेसर ने उसको पे किया, तो लेसर उसको 6 लाख रुपए को लीज इंसेंटिव मान रहा है। द लीज इंसेंटिव इज रिकॉग्नाइज एज अ रिडक्शन इन द लीज रेंट ओवर द लीज टर्म। लेसर इस 6 लाख का क्या कर रहा है, लेसर पेड 6 लाख इंसेंटिव टू लेसी। इस 6 लाख को वो क्या करेगा, वो करेगा डेफर एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज टर्म। सर कैसे बोल सकते हो, अरे हमने पढ़ा है कंसीडर दिस 6 लाख एज इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट अगर मटेरियल होती है तो हम उसको डेफर एंड अमोर्टाइज करते हैं, तो इस 6 लाख को वो डेफर एंड अमोर्टाइज कर रहा है इन प्रपोर्शन ऑफ लीज इनकम, इन प्रपोर्शन ऑफ लीज इनकम रेकग्नाइज्ड, सीधा सीधा एज रिडक्शन इन द लीज इनकम ओवर द लीज टर्म यूजिंग द सेम बेसिस एज फॉर लीज इनकम इन दिस केस स्ट्रेट लाइन बेसिस लाइक 10,000। तो वो हर साल 6 लाख को 10 डिवाइड बाय 10 करके 60 60,000 बुक कर रहा है पीएनएल में इनकम के अगेंस्ट ऑन 1st अप्रैल 2020, मतलब 10 साल की लीज थी 1st अप्रैल 15 को, उसमें से 5 साल हो चुके हैं। ड्यूरिंग COVID-19 पेंडेमिक एम अग्रीज टू वेव केज रेंटल पेमेंट फॉर मई जून जुलाई, दिस डिक्रीज इन कंसिडरेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लीज एंड इज देयरफॉर अ लीज मॉडिफिकेशन, हाउ दिस विल बी अकाउंटेड फॉर बाय बाय लेसर।
ये लेसर के द्वारा कैसे अकाउंट फॉर किया जाएगा। कुछ दिक्कत नहीं है, आप इसको दो, इसमें दो आंसर्स होंगे। पहला, क्योंकि ये लीज मॉडिफिकेशन हुआ है तो हम इसको ऑल टुगेदर न्यू लीज मानेंगे, लेसर एम इसको मॉडिफिकेशन डेट से बिल्कुल ही नया लीज मानेगा। अब वो जो भी रेंट अग्रीड हुआ है उसको एसएलएम बेसिस पर फिर से निकालेगा। और इसके पास जो भी सेकेंड आंसर, इसका सेकेंड, इसका एक और पॉइंट, इसके पास जो भी अनअमोर्टाइज्ड इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बचा हुआ है, दैट इज 3 लाख रुपीज, इसको वो बाकी 5 साल में डिवाइड करके बुक करेगा। दैट्स इट। तो देखो, एम रिकॉग्नाइज द इंपैक्ट ऑफ वेवर ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द 5 ईयर टर्म ऑफ न्यू लीज। एम ऑल्सो टेक्स इन टू अकाउंट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द अनअमोटाइज लीज इंसेंटिव, दैट इज 3 लाख। एम अमोटाइज दिस बैलेंस ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर द 5 ईयर टर्म। तो बेसिकली ये लीज मॉडिफिकेशन है क्योंकि एम ने उसको वेव कर दिया 3 मंथ के पेमेंट, तो ये लीज मॉडिफिकेशन हुआ। तो लीज मॉडिफिकेशन में क्या होता है, हम ऑल टुगेदर एक न्यू लीज मानते हैं, पर हमारे पास जो बैलेंस रखा हुआ है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का अनअमोटाइज, जिसको हम डेफर करते आ रहे थे, उसका क्या करेंगे? अब हम बोलेंगे कि यार ये जब ऑल टुगेदर न्यू लीज है तो इसका नया लीज टर्म कितना है? इसका नया लीज टर्म 5 साल है। अगर मान लो इसका नया लीज टर्म 4 साल होता तो हम रिमेनिंग अनअमोटाइज को 4 साल में अपोर्शन करते। सिंपली, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं नहीं, इंस्टीट्यूट ने न्यूली एड किए इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स इट। लेसर एल इंटर्स इनटू 8 ईयर लीज ऑफ 40 लॉरीज, लॉरीज मतलब गाड़ियां, विथ लेसी एम दैट कमेंसेस ऑन 1 जनवरी 2018। द लीज टर्म अप्रोक्सीमेट्स द लॉरीज इकोनॉमिक लाइफ एंड नो अदर फीचर्स इंडिकेट्स दैट लीज ट्रांसफर और डज नॉट ट्रांसफर सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ द लॉरीज। यहां कोई बाकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, बस ऐसा लिख रहा है कि द लीज टर्म अप्रोक्सीमेट द लॉरीज इकोनॉमिक लाइफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। द लीज टर्म अप्रोक्सीमेट द लॉरीज इकोनॉमिक लाइफ, मतलब जो भी लीज टर्म है वो लॉरी की इकोनॉमिक लाइफ के बराबर है, बाकी और अदर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। Assuming that substantially all of the risk and rewards incidental to ownership of the lorries are transferred, L classifies the lease as finance lease. L ने इसको finance lease classify कर दिया। अभी तक के ऊपर के दो question में हमने देखा कि operating lease classify था और उसमें हमारा lease modification हो रहा था। अब हम देख रहे हैं कि हमने finance lease classify किया है, अब modification हो रहा है। क्या modification हो रहा है? During COVID-19 pandemic, M's business has contracted, मतलब M का business बहुत losses में चला गया। In June 2020, L and M amend the contract so that it now terminates on 31st December 2020. My God, originally ये lease term कितने का था? 8 साल का। कब से लेकर? January 2018 से लेकर। So अगर आप January 2018 से count करो तो 2018 पूरा, 19 पूरा, 20 पूरा और 5 साल आगे के, मतलब 2025 तक ये lease जाने वाली थी। तो original ये lease जाने वाली थी 2025 में expire होने वाली थी। बट अब ये एक्सपायर होगी 31st December 2020 को। अब ये एक्सपायर होगी 31st December 2020 को। ओरिजिनली ये लीज 8 साल का था क्योंकि लॉरीज की वैल्यू भी 8 साल, लॉरीज का इकोनॉमिक लाइफ भी 8 साल था, तो इसीलिए हमने इसको फाइनेंस लीज माना था। पर COVID-19 पेंडेमिक के कारण एम ने बोल दिया कि भाई साहब मैं 31 दिसंबर 2020 के बाद आपकी लॉरीज, आपकी गाड़ियां आपको वापस कर दूंगा, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा बिजनेस खराब हो रहा है, मेरा बिजनेस खत्म हो रहा है। अगर ये सिचुएशन पहले पता होती तो हम इसको फाइनेंस लीज नहीं मानते, हम ऑपरेटिंग मानते। ओह माय गॉड, क्या करना चाहिए? सिंपल, क्या करना चाहिए? ऑपरेटिंग मानते तो आप ऑपरेटिंग मान लो। जो असेट को डीरिकॉग्नाइज किया है लेसर ने, मतलब लॉरीज को, उनको वापस से रिकॉग्नाइज करो। किस वैल्यू पे? जिस वैल्यू पे आज लीज रिसीवेबल दिख रहा है लेसर की बुक्स में, और लीज रिसीवेबल को क्रेडिट कर दो। सिंपल आंसर। Early termination was not a part of the original terms and conditions and this is therefore a lease modification. Modification does not grant M an additional right to use the asset and underlying asset and therefore cannot be accounted for separately. Obviously, इसका account for lesser क्या करेगा? Simple, आपको पता है, एक तो वो de-recognize करेगा finance lease receivable को और recognize करेगा underlying asset को in its statement of financial position. Measure the aggregate carrying amount of underlying asset as the amount of net investment in lease in the lease immediately बिफोर द इफेक्टिव डेट, मतलब वो मेजर करेगा सेम कैरिंग अमाउंट पे। सर क्या दिक्कत है? तीनों क्वेश्चन आपके आसान।